हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? पिछली क्लास में हमने फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्ट, माफ कीजिए, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट के अंदर में डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट्स के बारे में हमने देखा था। आज हम क्लास को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ और इनकम के बारे में भी हम समझेंगे। मैंने हर एक का आपको रीजन बताया था। एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ जिसमें थोड़ा बहुत आपका रिवीजन पिछली क्लास का और फिर एक दो पॉइंट और ऐड करके हम क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। तो दो एग्जांपल हमने पिछली बार किया था। चैप्टर हमारा चल रहा था फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। और इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, आपका थर्ड एग्जाम्पल लिखिए मेरे साथ। एग्जाम्पल नंबर थ्री को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आपने बुक को नहीं देखना, आपने प्रॉमिस किया हुआ है। एक ट्रायल बैलेंस आप मेरे साथ रेडी कीजिए, ट्रायल बैलेंस। और ये ट्रायल बैलेंस आपका हो रहा है एज ऑन 31 मार्च 2019। ये ट्रायल बैलेंस जो हमारा है, इसके दो कॉलम, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। तो आप लिखिए मेरे साथ डेबिट और दूसरा क्रेडिट साइड। इसके अंदर में हमने यहाँ पे कुछ नाम लेना है। मैं इस बार आपको बता रहा हूं, यहाँ पे आपका ओपनिंग स्टॉक जिसका हमने अच्छा खासा डिस्कशन पिछली बार में किया हुआ है, ये 20,000 का अमाउंट है। परचेजेस लेस रिटर्न, और ये कहता है आपका 6 लाख का अमाउंट है। मेरे बच्चे, इसका मतलब होता है कि जितना भी परचेज हुआ था और जो परचेज रिटर्न हुआ था उसका नेट करके अमाउंट बता रहा है। मतलब अच्छी बात है, फिर सेल्स परचेज रिटर्न आपको अलग से नहीं बताएगा। परचेज लेस रिटर्न का मतलब होता है कि परचेज में रिटर्न को माइनस करके खुद उसने कह दिया 6 लाख का अमाउंट। उसी तरीके से कहता है कि सेल्स लेस रिटर्न का मतलब कि सेल्स और जो सेल्स रिटर्न है उन दोनों का नेट करते हुए अमाउंट आपको यहाँ पे 20 लाख का अमाउंट बता रहा है, आपको 20 लाख रुपीज। फिर इसके बाद आप लिखिए मेरे साथ यहाँ पे कहता है आपको फ्रेट जो आपका है, ये कहता है कि 1 लाख का अमाउंट है, 1 लाख का अमाउंट। रेंट आपको बता रहा है ये 2 लाख डेबिट में। सैलरी आपको यहाँ पे बता रहा है, सैलरी ये कहता है आपका मान लो 3 लाख का अमाउंट, 3 लाख का अमाउंट रेंट सैलरी। इस फॉर्म में अब आपको कुछ जो एसेट्स के नाम है उसमें कुछ बढ़ा रहा हूं मैं। लाइक मान लो कहता है डेटर्स, आपके डेटर्स जो है वो कहता है 1,40,000 का अमाउंट है, 140। चलो जब डेटर्स की बात उठी है तो मैं यहाँ पे बैडेट्स भी आपको दिखा देता हूं। बैडेट्स कहता है कि 20,000 है। ध्यान रखना ये ट्रायल बैलेंस जो एंड में बता रहे हो, तो मैंने पहली क्लास में बताया हुआ है कि डेटर्स आपके एंड के हैं और जो बैडेट्स हुआ है वो साल के बीच में हुआ है। मतलब ये 20,000 ऑलरेडी इसमें से माइनस हो चुका है। डेटर्स एंड में है, एंड में जो भी कुछ बताएगा जो पूरे साल में हुआ है उसको प्लस माइनस करने के बाद है। उसी तरीके से वो डिस्काउंट भी कहता है, डिस्काउंट आपका 10,000। मेरे बच्चे, डिस्काउंट डेबिट में होने का मतलब कि डिस्काउंट अलाउड, हमने डेटर्स को डिस्काउंट दिया होगा और जो भी डिस्काउंट दिया होगा वो ऑलरेडी आपका डेटर्स में से माइनस हो चुका होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस इनकम पूरे साल के होते हैं और एसेट्स आपका एंड में बता रहा है। तो एंड का बैलेंस निकालते समय जो बैडेट्स है डिस्काउंट वो ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा, हम दोबारा माइनस नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये बातें मैंने आपको पहली क्लास में बताई हुई है और विदाउट एडजस्टमेंट में भी हमने सीखा हुआ। फिर कहता नीचे में आपका बैंक या कैश कुछ भी, मैं इस पर कैश एंड बैंक दोनों कर देता हूं साथ में, फर्क नहीं पड़ता। ये आपका कहता है 2 लाख एंड 20,000 का अमाउंट, 220 का अमाउंट आपका हो गया, ठीक है ना, कैश एंड बैंक। इसके बाद यहां पे आपको मैं फर्नीचर दिखा रहा हूं, फर्नीचर, और एक नाम मुझे यहां पर लेना है कैपिटल का, कैपिटल का, और एक नाम और इस पर ले लेता हूं मैं ड्रॉइंग्स का, ड्रॉइंग्स का। मतलब नए नए नाम हम अच्छे से खेल खेलेंगे, अच्छा लगेगा। तो मैं कुछ अब देखू अमाउंट कितना निकल के आने वाला है। कैपिटल को मैं काम करता हूं, यहां पे ले लेता हूं 8 लाख का अमाउंट, 8 लाख आपका कैपिटल हो गया। तो बाकी अब हमें दो नाम लेने हैं, ड्रॉइंग्स का और आपका फर्नीचर का।
तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे पहले क्या निकल के आता है. ये तो हो गया 28 लाख क्रेट में, 28 लाख. ये कितना बनता है एक बार चेक करते हैं हम लोग. तो 28 लाख में से माइनस करते हैं 620, 720, 920, 1220, 1320, 1360, 1380, 1390, 1590, 1610. 16,10,000 का अमाउंट इसमें से हटा देते हैं तो मेरे बच्चे 1190 निकल के आ रहा है. 1190 में मैं एक काम करता हूँ, 11 लाख का दे देता हूँ आपको फर्नीचर. ये क्वेश्चन दिमाग से क्रिएट कर रहे हैं. एंड ड्रॉइंग्स आपका 90,000 ड्रॉइंग्स, ठीक है ना. तो ये आपका अमाउंट कितना आ गया, 28 लाख का अमाउंट. 28 लाख चेक कर लो एक बार, 720, 920, 1220, 1360, 1380, 1390, 1390, 1590, 1516, 1718 and 20. ठीक है. अब एडजस्टमेंट में कहता है मेरे बच्चे, एडजस्टमेंट में नंबर वन, एक तो कहता है कि फर्दर बैड एट्स. फर्दर बैड एट्स का मतलब हो गया कि ट्रायल्स बनने के बाद फिर से कुछ पैसे डूब गए. मान लो कहता है रुपीज 5,000, मतलब ट्रायल्स बनने तक तो 20,000 रुपए डूबे थे, 20,000, उसके बाद फिर से 5,000 डूब गया आपका. कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे. फिर कहता है मेरे बच्चे यहां पे रेंट ड्यू बट नॉट पेड, मतलब हमने बेनिफिट तो ले लिया लेकिन अभी तक रेंट पे नहीं किया है. वो अमाउंट कहता है आपका 25,000, यानी कि रेंट हमने पे कितना कर दिया, 2 लाख, और अभी 25,000 कहता है कि अभी पे करना बकाया है. ठीक है, कोई बात नहीं. सैलरी के बारे में कहता है कि जो सैलरी आपका यहाँ पे 3 लाख का है उसमें से कहता है कि सैलरी लिखी मेरे साथ इंक्लूड्स, सैलरी में मिला हुआ है इंक्लूड्स रुपीज 15,000 पेड इन एडवांस, मतलब हम लोगों ने एडवांस पेमेंट किया है, वो कहता है कि उसमें मिला हुआ है. कोई बात नहीं, हम देख लेंगे. फोर्थ कहता है कि चार्ज डेप्रिसिएशन, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% किस पे जी, ऑन फर्नीचर, ऑन फर्नीचर. और मेरे बच्चे एक आपका पांचवे में कि क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास है, क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड, यानी कि एंड में जो स्टॉक बचा हुआ है, वो कहता अमाउंट आपका यहाँ पे 50,000. यानी कि हमने यहाँ पे पांच एडजस्टमेंट्स आपको दिए हैं और इससे हमें क्या करना है कि अपने फाइनल अकाउंट्स को बनाना है बहुत सिंपल तरीके से. आपने पिछले और उसके पिछले क्लास से आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो हम कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, बातों को समझेंगे, फिर उसका हम ट्रीटमेंट देखेंगे. तो आओ ना सोल्यूशन में मेरे बच्चे, पहले हम यहाँ पे कोशिश करना कि एक ही पेज पे काम हो जाए. ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाइए, आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. मैं इसलिए बोलता हूँ एक पेज पे ताकि जब पेज पलटोगे तो दिमाग में थोड़ी देर के लिए बातें रुक जाती हैं, और मैं चाहता नहीं, मैं चाहता हूँ कि फटाफट आपका हाथ और आपका दिमाग दोनों साथ साथ चले. तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है. मेरे हिसाब से ट्रेडिंग में तो बहुत सारे आइटम नहीं है, तो छोटा सा ही बना लेता हूँ मैं, छोटा सा ही, 6-7 लाइन, जगह काफी रहेगा. रिटर्न भी तो कोई अलग से माइनस नहीं करना. फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आइटम्स इस पर ज्यादा है तो मैं प्रॉफिट लॉस को एक्चुअली बड़ा करूंगा. मतलब ट्रेडिंग अकाउंट को अगर छोटा किया तो प्रॉफिट लॉस में आइटम्स को मैंने बढ़ाया है, हम उसके ट्रीटमेंट को बड़ा रखेंगे. और एट लास्ट हमारे पास बैलेंस शीट जो कि बनेगा एज ऑन 31st मार्च 2019 का. तो ये हमारा बैलेंस शीट आपका हो गया, ये हमारा बैलेंस शीट हो गया. अभी इसको हम देखते हैं क्या निकल के आता है. पर बच्चे आप देखो ओपनिंग स्टॉक है, यहां लिखे आप ओपनिंग स्टॉक. हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 20,000 का अमाउंट. परचेज लेस रिटर्न यानी कि परचेजेस, और मैं एक काम करता हूं, इतना लंबा क्यों लिखूं, ब्रैकेट में नेट कर देता हूं, नेट मतलब रिटर्न माइनस करने के बाद 6 लाख का अमाउंट. फिर एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेगा, नहीं बचे. रिटर्न का मतलब लेस करने का मतलब ही नेट आपका होता है. सेल्स लेस रिटर्न भी आप लिख सकते हो, और बाय सेल्स और ब्रैकेट में नेट का अमाउंट, मतलब कि नेट सेल्स का जो अमाउंट है वो 20 लाख का अमाउंट आपको यहाँ पे बता रहा है.
क्लियर है ना सर? हाँ, फ्रेट आपका कहता है कि 1 लाख, कोई भी एडजस्टमेंट इसमें नहीं है, तो आप यहाँ पे फ्रेट में 2 लगाओ या ना लगाओ आप पक्का लगा देना, और कुछ ना बताए मेरे वजह तो मैंने कहा है कि इसको हम इनवर्ड मानते हैं, फ्रेट इनवर्ड, एंड दिस इज 1 लाख का अमाउंट, 1 लाख रुपए का अमाउंट आपका हो गया। रेंट आपका प्रॉफिट लॉस में आएगा, टू रेंट। जरा बताओ रेंट हम लोगों ने पे कितना किया है, ये देखो आप 2 लाख का अमाउंट, तो रेंट जो पे किया 2 लाख वो लिखा हमने यहाँ पे। नीचे में कहता है कि रेंट ड्यू है बट पे नहीं हुआ, मेरे बच्चे ये भी हमारा एक्सपेंस है, करंट ईयर में हमने बेनिफिट ले लिया है, तो आप इसमें आउटस्टैंडिंग जो रेंट है आपका 25,000 उसको ऐड कर दो, 25 ही बता रहा ना सर? हाँ, तो ये अमाउंट आपका बाहर चला गया 2,25,000। और ध्यान रहे मैंने पिछली क्लास से समझाया है कि 225 में जो पे कर चुका हूं 2 लाख, वो तो कैश में से माइनस हो चुका होगा, हमें दोबारा माइनस नहीं करना, लेकिन जो अभी पे करना बकाया है दैट बिकम्स आवर लायबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग रेंट आप यहां पे रिकॉर्ड करेंगे, और कितना अमाउंट हो गया आपका 25,000, ठीक है ना? सैलरी आप यहां रिकॉर्ड करेंगे, टू सैलरी। जरा जल्दी बताओ कि सैलरी के नाम पे हमने पेमेंट कितना किया है, 3 लाख का अमाउंट, ये 3 लाख हमने यहां पर रिकॉर्ड कर दिया, 3 लाख। नीचे कहता है मेरे बच्चे सैलरी में मिला हुआ है 15,000 जो कि एडवांस पेमेंट है, मतलब 3 लाख जो हमने पेमेंट किया है, तो पूरे 3 लाख हमारे कैश में से माइनस हो चुके हैं, लेकिन इसमें से कहता है कि आपका 15 अगले साल का है, मेरे बच्चे वो हमारा एक्सपेंस नहीं है, वो हमारा एसेट्स है, तो इसमें से प्रीपेड सैलरी, ये रिविजन है पिछली क्लास का, क्योंकि बातें समझा चुका हूं, वो 15,000 हम यहां से हटा देंगे, तो एक्सपेंस तो रिकॉर्ड होगा 2,85,000, और जो प्रीपेड सैलरी है वो हमारा एसेट्स बन गया, और एसेट्स को आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे, क्योंकि ये प्रीपेड सैलरी जिस इंप्लॉय को हमने पे किया होगा उस इंप्लॉय से 15,000 काम हमें अगले साल लेना है, प्रीपेड सैलरी आपका हो गया, ठीक है। डेटर्स पे आते हैं, डेटर्स हमारे एसेट से, उसको हमने यहां रिकॉर्ड किया, ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपको एक ही नया पॉइंट सिखा रहा हूं मेरे बच्चे। डेटर्स 140 है और कहता है कि इस 140 को निकालने तक 20,000 का बैडेट्स आपका हो चुका है, 10,000 का डिस्काउंट हो चुका है, यानी कि जो डेटर्स आपका 140 है इसमें से 20 और 10 माइनस हो चुके हैं, याद कीजिए पहली क्लास डेटर्स हमारा एंड का है, तो जो एंड का डेटर्स है इसको निकालते समय जो भी साल के बीच में हुआ है मेरे बच्चे वो ऑलरेडी प्लस माइनस हो चुके हैं, हम दोबारा माइनस नहीं करेंगे, तो क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट है उसके बारे में, डेटर्स के बारे में फर्दर बैडेट्स का, तो मैं आपको समझाऊं 140 तो मैं पहले यहां लिख देता हूं 1,40,000 अंदर में, क्यों मैं बताऊंगा, और जो बैडेट्स आपका 20,000 है उसको मैं यहां पर रिकॉर्ड करता हूं, बैडेट्स जो हमारा लॉस हो चुका है, सारे एक्सपेंसेज लॉसेज हम प्रॉफिट लॉस में दिखाएंगे यहाँ पे 20,000 अंदर में मेरे बच्चे, ध्यान है ये 20,000 इस 140 से माइनस हो चुका है, तो जो हमारा एसेट्स वो बैलेंस शीट में आ रहा है, जो एक्सपेंस वो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में आ रहा है। अब सुनो, नीचे कहता है कि फिर से 5,000 रुपए डूब गए, इसका मतलब जब ट्रायल बैलेंस बना था मेरे बच्चे, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फिर से इसमें से 5,000 डूब गए, इसमें से डूब गए, तो ठीक है जो डूब गए वो तो यहां से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि डेटर्स हमारे पास एंड में 140 नहीं है, 140 के बाद फिर से 5,000 रुपए डूबा है, तो मेरे बच्चे मुझे यहां से उसको हटाना पड़ेगा, हम लोग यहां से माइनस करेंगे फर्दर बैडेट्स, फर्दर बैडेट्स लिख सकते हो आप एडिशनल बैडेट्स लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, फर्दर बैडेट्स कितना जी 5,000 का अमाउंट आप यहां से माइनस करेंगे 5,000, तो मेरे बच्चे आपका जो डेटर्स एंड में रह गया वो कितना रह गया 1,35,000, आप समझे मेरी बात, अरे 140 का जो डेटर्स आपका एंड में है 140 का, इसमें से ये तो माइनस हो चुका है, सर क्यों माइनस हो चुका है, तो पहली क्लास इस चैप्टर का रेफर कीजिए, वहां पे मैंने आपको समझाया हुआ है, तो ये 20,000 जो है वो ऑलरेडी आपका माइनस हो चुका है, लेकिन जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फिर से 5,000 रुपए डूब गया वो तो अभी माइनस नहीं हुआ है जी, मैंने कहा था कि जनरली ये एक दिन पहले दो दिन पहले क्लोज हो जाता है, तो उसके बाद कुछ पैसा और डूब गया होगा, तो ये 5,000 हमने क्या किया यहां से माइनस कर दिया, क्योंकि अब डेटर्स 135 रहे, और एक्सपेंस जो है मेरे बच्चे बैडेट्स का 20 तो वो जो हुआ था पहले से और 5 और हो गया, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्दर बैडेट्स जो है, फर्दर बैडेट्स यानी कि एडिशनल बैडेट्स, वो 5,000 एड करके और 25,000 आप दिखा देंगे यहां पे, मतलब
मतलब ये कि डेटर्स जो हमारे पास एंड में हैं, डेटर्स मेरे बच्चे 140 नहीं अब 135, क्योंकि पांच और डूब गया था ट्रायल बैलेंस बनने के बाद करंट ईयर में, उसको माइनस कर दिया। और बैडर्स टोटल सिर्फ 20 थोड़े हुए, 20 जो हमने पहले से रिकॉर्ड किया था 5 और हो गया, तो टोटल 25 हो गया, तो बैडर्स हमने यहां पर रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर है यहां तक सर? हाँ सर। डिस्काउंट मेरे बच्चे 10,000 एक्सपेंस है, प्रॉफिट लॉस में दिखाइए, 2 डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट जो आपने अलाउ किया है ये हमारा एक्सपेंस है, डेबिट में एक्सपेंस होता है और इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमने यहां पर रिकॉर्ड कर दिया। कैश इन बैंक आपका एसेट्स है, बैलेंस शीट में लेकर आइए आप, कैश एंड बैंक, ये आपका कैश और बैंक दोनों मिला के कहता है कि 2,20,000 का अमाउंट है, तो एसेट्स रिकॉर्ड होगा। फर्नीचर भी हमारा एसेट्स है, आप यही लेकर आए, बट इस पे मैंने एडजस्टमेंट एक डाला हुआ है, तो फर्नीचर जो हमारा है वो आपका 11 लाख रुपीज का अमाउंट है, 11 लाख का। कहता है इसके बाद कि चार्ज डेप्रिसिएशन 20%। आओ ना इसको दोबारा क्यों समझाऊं, डेप्रिसिएशन 20% 2,20,000 का अमाउंट आपका हो जाएगा, आप यहां पे माइनस करो तो ये आपका 9,80,000, 980 का अमाउंट आपका हो गया, सॉरी 880 ना सर, हाँ जी ये 880 का अमाउंट आपका हो गया। और मेरे बच्चे जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा एक्सपेंस है, वो आपके प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा, तो डेप्रिसिएशन जो है आप उसको यहाँ पे 220 का अमाउंट जो यूज कर लिया वो हमारा एक्सपेंस बन चुका है, तो एसेट्स को कम करके एक्सपेंस बढ़ा दिया। फिर कैपिटल हमारे बैलेंस शीट में आएगा, मैं काम करता हूं, ये जो कैपिटल का अमाउंट है मेरे बच्चे 8 लाख, उसको अंदर लिखो 8 लाख का अमाउंट, और ड्रॉइंग्स जो आपका बता रहा 90,000 इसमें से आपका माइनस हो जाएगा, ड्रॉइंग्स को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यहाँ नहीं यहाँ कितना जी 90,000 का अमाउंट आपका, ठीक है ना। बाकी जो प्रॉफिट होगा हम देख लेंगे बाद में, एक सवाल दिमाग में उठ रहा है बट रुक जाओ अभी मैं बाद में खुद बताऊंगा, देखते कुछ बचा तो नहीं, ये हो गया, ये हो गया, सैलरी वाला भी हो गया ना सर, हाँ डेप्रिसिएशन, हाँ क्लोजिंग स्टॉक 50,000, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में यहां लिखिए बाय क्लोजिंग स्टॉक, और ये कितने का अमाउंट बता रहा है आपको जी 50,000, तो मेरे बच्चे 50,000 आपने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट से हटा दिया, और उस क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में आप लेकर आइए, स्टॉक कितना 50,000 का अमाउंट आपका, 50,000 आपका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। और कुछ बचा नहीं सर, क्लोज करें सर, हाँ जी, तो जरा बताओ ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा है वो कितना निकल के आ रहा है मेरे बच्चे, ये देखो आप, इस बार ना मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं, एक्चुअली जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो मैं आपको समझाऊंगा ज्यादा, लिखवाऊंगा कम, क्वेश्चन कम कराऊंगा, ऐसा नहीं होगा, समझाऊंगा भी ज्यादा, लिखाऊंगा भी ज्यादा, क्वेश्चन भी ज्यादा कराऊंगा, जरा सुनो ध्यान से, क्या ये 20+50 कितना हो गया 20,50,000 है ना, तो 20,50,000 अभी लिखना नहीं, सुन लो मेरी बात, इसमें से हम कितना माइनस करेंगे 720 का अमाउंट, तो यहां पे कितना बच जाएगा 13,30,000 का अमाउंट, दिस इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ये तरीका है जो हमने अभी तक सीखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली जो मीनिंग है ना बच्चे वो ऐसा नहीं है, मीनिंग इसको ये निकालने का मीनिंग कुछ अलग है, मैं मीनिंग अब समझाता हूं, सुनो ध्यान से, क्या देखो मैं क्या बोलूंगा यार, हमने फैक्ट्री में कितना खर्च किया 20,000, ये इसको मिटा देता हूं पहले, मैं कुछ समझा रहा हूं ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना, हमने फैक्ट्री में कितना खर्च किया, तो फैक्ट्री में 20,000 7,20,000, लेकिन 7 मैं लिख दूं पहले 7,20,000, लेकिन 720 में 50,000 खर्च नहीं हुआ तो आप उसको हटा दो, यानी कि खर्च हुआ कितना 6,70,000, 6,70,000 रुपए, और 6,70,000 का सामान कितने बिक गया आपका 20 लाख में, तो 20 लाख में हमने बेच दिया, यानी कि हमारा प्रॉफिट आ गया 13,30,000, देख रहो वही प्रॉफिट जो पहले निकल के आया था वही है, लेकिन समझने का तरीका हम लोग करते कैसे हैं 20+50 20,50,000, और इस 20,50,000 में से 20,50,000 में से हम लोग क्या करते हैं इसको माइनस करते हैं, फिर ये निकल के आता है, बट एक्चुअली कैसे है ये माइनस ये टोटल कॉस्ट हो गया, इतने में बिका प्रॉफिट निकल के आया। खैर क्या फर्क पड़ता है, दोनों से आंसर सेम निकल के आएगा, मैं आगे बढ़ता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट 13,30,000,
आओ ना इन सारे खर्चों को माइनस करके जरा पता करें कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है। सर एक सवाल है सर, रुको ना पहले आप करो तो इसको। तो मेरे बच्चे 13,30,000 का जो अमाउंट है इसमें से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इन खर्चों को माइनस करते हैं 225, इसके बाद आपका 285, फिर आपका 35 और फिर आपका 220,000 यानी कि आपका अमाउंट हो गया यहाँ पे 5,65,000 का अमाउंट आपका 565। इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे कैपिटल में लाके ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान जी मेरा बैलेंस शीट दोनों से टैली करा देना। आप चेक करते हैं भगवान आपकी प्रार्थना सुनते भी हैं या फिर बस ऐसे ही आप भगवान पर विश्वास करते हो। ये हो गया 12,75,000 का अमाउंट। जरा बताओ 1275 प्लस 25 कितना हो गया, तो 13 लैक्स का अमाउंट। और जरा चेक कर लो इस साइड कितना निकल के आ रहा है, 1150, 1250 एंड 13 लैक्स का अमाउंट। चलो भगवान ने सुन लिया, यानी कि भगवान है, भगवान है। आप उनको पहचान सकते हो तो पहचान लो, नहीं पहचान सकते तो कोई बात ही नहीं है। आप लिख लो यहाँ पे, लिख लो। सर इसमें नया क्या था? कुछ नहीं मेरे बच्चे, मैंने कहा ना पिछली क्लास का रिवीजन है, बस ये समझ लेना। एक हमने फर्दर बैडेट्स की बात कह दी और ये तो लॉजिकल है यार कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जो पैसे डूबे थे अगर उसको अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो कर लो। क्या करेंगे बैडेट्स होने से, आपका डेटर्स को कम कर देंगे, बैडेट्स को बढ़ा देंगे, ठीक है ना। ये काम आपका पूरा हो गया, ठीक है। हाँ एक चीज और बता देना चाहता हूँ आगे बढ़ने के पहले, एक नोट लिख दो। एक्चुअली नोट हम लोग नोट खेल रहे हैं, दो नोट पिछली बार दिया था जहां तक मुझे याद है। ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना बच्चे, कहाँ गया वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये वाला, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है लिख लो यहां पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज ऑल्सो कॉल्ड इसका एक और नाम है accrued expense, accrued, accrued, accrued expense आपका। मतलब outstanding expense को accrued भी कह सकते हो। actually मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे generally आपके जो प्यारे प्यारे सर हैं या फिर जो आपके दोस्त हैं वो क्या कहते हैं कि नहीं जी outstanding expense अलग है, accrued expense अलग है, बट ऐसा होता नहीं है, दोनों सेम है, दोनों सेम मेरे बच्चे। लेकिन आप एक काम करना, समझने के लिए दोनों सेम है, लेकिन एक्सपेंस जब कोई बकाया होगा तो आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही कहना, बट दोनों का मीनिंग सेम है। जैसे जैसे आप बड़े होगे देखेंगे कि आप दोनों का मीनिंग सेम है ना, ये आपका हो गया। और एक नोट नंबर 4 लिख लो आप यहाँ पे ब्लू में, सर हम भी ब्लू में, आपका पेन शायद ब्लू ही होगा, नहीं तो भी कोई बात नहीं, आप उसी पेन से लिखिए। ये जो आपका प्रीपेड एक्सपेंस था ना, प्रीपेड मतलब, प्रीपेड का मतलब क्या था जी, जो एक्सपेंस हमने एडवांस में पे किया, ये बात कर रहा हूं प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड एक्सपेंस इज ऑल्सो कॉल्ड इसका एक और नाम है, कहते हैं कि अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस मीनिंग से मेरे बच्चे अनएक्सपायर्ड, सुनो तो मेरी बात, अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है जो अभी तक एक्सपायर्ड नहीं हुआ, जिसको अभी तक हमने यूज नहीं किया, मतलब उसका बेनिफिट अभी आगे मिलेगा, अनएक्सपायर्ड है। दवा जो घर में आपके पास आता है जब आपको तबीयत खराब होती है, एक्सपायर्ड हो गया मतलब अब वो यूज नहीं हो सकता, अनएक्सपायर्ड है मतलब अभी आगे वो यूज हो सकता है। तो जो अभी आगे यूज होगा वो प्रीपेड है, वही आपका अनएक्सपायर्ड है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कह दे चाहे accrued एक्सपेंस कह दे, दोनों का मीनिंग सेम है। बस ध्यान रखना कि जनरली आपके जो प्यारे प्यारे सर हैं स्कूल वाले वो उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहेंगे, accrued एक्सपेंस शायद वो कह दे तो अच्छी बात है, ना भी तो टेंशन नहीं, जब हम बड़े हो जाएंगे तो दोनों मिलकर बिल्कुल सेम हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। आप इसकी कॉपी कर लीजिए, फिर मैं अब आगे कुछ और बातें आपको सिखाता हूं। सर हो गया, बोलो ना क्या अच्छी बातें सिखानी है मेरे बच्चे। अभी हमें फोर्थ एग्जाम्पल पे जाने दो और फिर मैं आपको बताता हूं मुझे और क्या क्या आपको सिखाना है। ये लीजिए, मैं पहले इसको हटा दूं, मैं इसको हटा दूं और फोर्थ एग्जाम्पल पे मुझे आपको लेकर आने दो, फोर्थ पे ये लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं और फोर्थ पे लेकर आता हूं। ये पता नहीं क्यों ये जो कपड़ा है ना आजकल मेरे बोर्ड को साफ क्यों नहीं करता, मैं इसे इतना प्यार करता हूं इस कपड़े से कि मैं इसको रोज धुलाता हूँ, रोज नहलाता हूँ, फिर भी ये पता नहीं क्यों साफ नहीं करता। आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन अभी बोर्ड मेरा गंदा है, तभी मैं अपने रुमाल का सहारा लेता हूँ इसको साफ करने के लिए। और ये रुमाल है बेचारा कि
रो ही रखता है, रोते रहता है कि मुझे कपड़े बोर्ड थोड़े साफ करने के लिए मेरा जन्म हुआ था, मेरा जन्म किसी और काम के लिए हुआ था और आप यहाँ पे बोर्ड मुझसे साफ कर रहे हो। बट क्या करूं, करना पड़ता है, हम लोग कॉमर्स के बच्चे हैं, हमें हर एक तरीके का एडजस्टमेंट हमें जानना होता है। मतलब एडजस्टमेंट लाइफ का एडजस्टमेंट, कैसे रहना, कब क्या यूज करना, सब ठीक है। खैर मैं आज आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं उल्टी सीधी बातें नहीं करने वाला, मैं आपको फोर्थ एग्जाम्पल पे लेकर आता हूं और सुनिए ध्यान से क्या निकल के आता है। लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। ये एक ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं फिर से आपके लिए, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। ये एक ट्रायल बैलेंस है मेरे बच्चे, इसमें इस बार कहता है डेबिट कॉलम और यहां कहता है ओहो एक सवाल था यहां पे जो आप पूछ रहे थे बट मैं आपको जवाब नहीं दे पाया, मैं दो सवाल को यहां दोबारा लिखूंगा फिर समझा दूंगा। लिखो यहां पे कहता है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ओहो ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे निकाल के बता दिया और कहता है कि 7 लाख का अमाउंट है। मेरे प्यारे बच्चे अगर ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन नहीं, छोड़ो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं अभी सिंपल क्वेश्चन लेके आता हूं, अदरवाइज बाद की बात है सब कंफ्यूजन करने वाली। मैं आपको देता हूं ओपनिंग स्टॉक, लिखो यहां पे। सर क्या अभी करा रहे थे, वो बात की बात है, मैं कराऊंगा आप चिंता ना करो, लेकिन अभी थोड़ा समय दो। ओपनिंग स्टॉक अपने आप को, परचेजेस, परचेजेस और कहता है यहां पे आपका नेट, मतलब रिटर्न माइनस हो चुका होगा, ये 2,50,000 का अमाउंट है। सेल्स मेरे बच्चे कहता है यहां पे सेल्स 750 का अमाउंट है और फिर आपको यहां पे कहता है आपका सैलरी, सैलरी 40,000 का अमाउंट है, 40,000 आपको यहां पे डेटर्स दिया हुआ है और वो डेटर्स कहता है कि आपका 1 लाख का अमाउंट है, 1 लाख का। यहाँ पे आपको बैड डेट्स दिया हुआ है, मतलब ट्रायल बैलेंस बनने तक हमारे डेटर्स कुछ डूब गए हैं जो कि 25,000 के हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर है यानी कि इसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा। और फिर मेरे बच्चे यहाँ पे डिस्काउंट कहता है, डिस्काउंट आपका डेबिट में 15,000, डेबिट का मतलब डिस्काउंट अलाउड है, क्रेडिट में होता तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपका होता, ठीक है ना। इसके बाद कहता है अब आपको एक मैं इनकम दे रहा हूं, मान लो यहां पे फीस रिसीव्ड, मैंने फीस रिसीव किया, इनकम है मतलब गुड्स भी बेचता हूं और मान लो कोई मैंने पढ़ा भी दिया किसी को और मेरे पास क्या हुआ कि 50,000 यहां पे कैश आ चुका है फीस रिसीव से, ठीक है ना। फिर आपका कैश का अमाउंट आप लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे, मान लो 3 लाख का अमाउंट है आपके पास, 3 लाख का कैश है। और फिर मैं यहाँ पे लैंड आपको दिखा दूं, लैंड 1 लाख का लैंड जिस पे कि हम कभी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, इट्स ए नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स आप जानते हैं। फिर आपका कैपिटल, कैपिटल और एक नाम आपको देता हूं ड्रॉइंग्स का, इसके बाद कोई नाम मुझे एक्चुअली इसको समझाना था लेकिन उस समय मैं नहीं समझाया, अभी समझा दूंगा। देखते हैं जी कहां पे क्या निकल के आ रहा है, उसके हिसाब से दो आइटम को मैं फिल करूंगा। तो पहले ये कितना हो गया हमारा 8 लाख, कैपिटल का अमाउंट लिख देता हूं मैं, कैपिटल मान लो यहां पे 2 लाख का अमाउंट है, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल कितना हो गया 10 लाख का अमाउंट, 10 लाख। इधर कितना आ गया 4 लाख, यानी कि 8,50,000 आ गया। तो मेरे बच्चे 150 की कमी है, ड्रॉइंग्स में 150 मान लू क्या, चलो 150, ठीक है ना। तो ये भी आपका 10 लाख का अमाउंट हो गया, एक बार चेक कर लें कितना 250, 550, 590, 690, 730, 750, 8 to 10 lakhs, ठीक है। एडजस्टमेंट में आई आप यहाँ पे, एडजस्टमेंट में नंबर वन कहता है कि एडिशनल, एडिशनल डिस्काउंट, एडिशनल कह देगा, फर्दर कह देगा, डिस्काउंट अलाउड। ओहो
इसका मतलब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमने डेटर्स को और भी डिस्काउंट दिया होगा, वो कहता है मान लो 2000। मतलब जब ट्रायल बैलेंस बन गया उसके बाद किसी डेटर्स ने फोन किया होगा कि भैया कुछ पैसा छोड़ दो, हमने कहा कि चल ठीक है कोई बात नहीं 2000 रुपए छोड़ देंगे। दिस इज द एडिशनल डिस्काउंट गिवन आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। नंबर टू में कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कहता है रुपीज 35,000 का अमाउंट। तीसरे में कहता है अनएक्सपायर्ड, अब मैं वो वर्ड यूज करना शुरू करूंगा, अनएक्सपायर्ड क्या ले लूं मैं, चलो अनएक्सपायर्ड सैलरी। अब सुनना, रटना नहीं, अनएक्सपायर्ड सैलरी का मतलब हो गया कि जो सैलरी अभी तक एक्सपायर्ड नहीं हुई है, एक्सपायर्ड नहीं हुई मेरे बच्चे। तो सैलरी एक्सपायर्ड ना होने का मतलब कि सैलरी अभी तक यूज नहीं हुआ है। एक्सपायर्ड नहीं हुआ मतलब क्या, अभी यूज नहीं हुआ मतलब उसका बेनिफिट अभी आगे मिलेगा। तो जस्ट लाइक प्रीपेड, जस्ट लाइक क्या, इट्स द सेकंड नेम ऑफ प्रीपेड, आपका प्रीपेड सैलरी कहता है कि 7000 है। बात समझ आ रही है, प्रीपेड सैलरी यहां पे 7000 है। फोर्थ में आप आइए, फोर्थ में यहां पे अब कहता है कि फीस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, फीस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये कहता है रुपीज 10,000, 10,000 रुपए आपका, 10,000 आपको कहता है कि यहां पे है, और बोलता है बस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, बोलता है कि जरा बताओ हम ज्यादा एडजस्टमेंट आपसे नहीं लेंगे, प्रिपेयर कहता है कि फाइनल अकाउंट्स, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आप इस क्वेश्चन की कॉपी कर लो। और हाँ, इस बार मैं आपको कुछ जो बताना चाहता था, जो मेरे अंदर छिपा है मेरे बच्चे, इनके बारे में मैं एरो कर दूं ताकि बाद में परेशान ना हो। आपका सवाल मैं जवाब दे दूं आपसे पूछने के, आपके पूछने के पहले, तो मैं यहां कुछ बताऊंगा। पहले आप आइए जरा सॉल्यूशन में, आप मेरे साथ बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट, सॉल्यूशन में आप मेरे साथ रेडी कीजिए ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, बहुत सारे आइटम नहीं है, दो तीन नाम ही दिख रहे हैं। तो आप इसको यहां पे क्या करोगे कि 5 से 6 लाइन जगह मेरे लिए सबसे काफी है, बहुत ज्यादा बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये फिर आप बनाइए प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मैंने बहुत सारे नाम दिए हुए, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट थोड़ा बड़ा बना लोगे तो अच्छा है, जगह ज्यादा हो जाए अच्छी बात है, कम नहीं होना चाहिए, समझो मेरी बात ना, ज्यादा हो जाए अच्छी बात है कम नहीं होना चाहिए। और फिर मेरे बच्चे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस के बाद, अब बैलेंस शीट में बहुत सारी बातें तो है नहीं, तो मैं बैलेंस शीट यहाँ पे एंड में बना लेता हूँ थोड़े से कम जगह में, एज ऑन ये बन रहा है 31 मार्च 2019 को, ये लीजिए यहाँ पे आपका ये निकल के आया। अब मैं शुरू करता हूं, ओपनिंग स्टॉक यहां लिखो, टू ओपनिंग स्टॉक ये कितना बता रहा आपका 20,000 का अमाउंट, 20,000 परचेजेज है मेरे बच्चे, यहां लिखे आप टू परचेजेज, और ये परचेजेज नेट आपका ऑलरेडी बता रहा है 2,50,000 का अमाउंट। सेल्स आपका 750 नेट बोल रहा है, नहीं सर लेकिन कोई सेल्स रेंट क्वेश्चन में है भी नहीं, होता तो बताता, तो ये ना बोले तो भी नेट ही तो है क्योंकि रिटर्न कुछ बता ही नहीं रहा अलग से। सैलरी जो आपका है वो यहां चला गया टू सैलरी, और जो सैलरी हम लोगों ने पे किया है ये कितना है 40,000। ध्यान से एडजस्टमेंट था, अनएक्सपायर्ड सैलरी बच्चे, यानी कि इसमें से 7,000 अभी तक एक्सपायर्ड नहीं हुआ, मतलब उसका अभी तक हमने बेनिफिट नहीं लिया, मतलब अभी तक हमने यूज नहीं किया, तो मैं यहां से लिस्ट कर दूंगा। अनएक्सपायर्ड यानी कि प्रीपेड सैलरी जो है आप यहां से माइनस कर दीजिए। एग्जामिनर तरह तरह के नाम देके आपको परेशान करेगा, वो जो भी नाम दे सकता सब मैं समझा दूंगा पहले ही। और हाँ मेरे बच्चे, ये हमारा एसेट्स है क्योंकि अभी अगले साल ये आपका एक्सपायर्ड होगा, तो आप इसको अनएक्सपायर्ड सैलरी यहाँ रिकॉर्ड कीजिए एसेट्स ग्रुप में, अनएक्सपायर्ड सैलरी हमारा एसेट्स है, कितना जी 7,000। क्लियर ना सर? हाँ सर, मतलब हम लोगों ने क्या किया कि जो सैलरी 40,000 पे किया है वो कैश में से माइनस हो चुका है, दोबारा नहीं माइनस करना, अब जो एक्सपेंस है उसको एक्सपेंस ग्रुप में दिखाया, जो एसेट्स एसेट्स ग्रुप में दिखाया। डेटर्स कहता है कि 1,00,000 का अमाउंट बैलेंस शीट में आ गया, ये लिया हमने डेटर्स जी, डेटर्स आपका 1,00,000 अंदर में लिखिए, 1,00,000 का अमाउंट डेटर्स आपका, क्योंकि एडजस्टमेंट है। बैड डेट्स के बारे में नीचे में अलग से कुछ भी नहीं है, तो बैड डेट्स हम यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे हमारे जो एक्सपेंसेज है,
कितना 25,000। क्या ये बैडेट्स जो आपका 25,000 है, क्या इसमें से माइनस होगा? नहीं होगा सर, ऑलरेडी माइनस हो चुका है। आज तो बस जो एक्सपेंस इनकम है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में दिखाओ और जो एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी उसको बैलेंस शीट में दिखाओ। ठीक है मेरे बच्चे, डिस्काउंट आपका यहाँ पे, तो फिर सर डेटर्स अंदर क्यों लिखा बताऊंगा बाद में, पहले डिस्काउंट तो लिख लो यहाँ पे। जरा बताओ डिस्काउंट जो हम लोगों ने डेटर्स को अलाउ किया है वो कितना बता रहा है? 15,000 अंदर लिखो, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपने 2,000 का और डिस्काउंट दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, भोले भोले बच्चे, जरा बताओ 2,000 का अगर मैं और डिस्काउंट देता हूं तो 2,000 का डिस्काउंट देने से डेटर्स हमारे बढ़ेंगे कि कम हो जाएंगे? अगर 2,000 का डिस्काउंट हमने और दे दिया तो डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे। कॉमन सेंस है, मैं यहां से माइनस करूंगा एडिशनल या फर्दर डिस्काउंट। एडिशनल लिख दो आप या फर्दर लिख दो, आपकी मर्जी, मीनिंग सेम है। डिस्काउंट कितना जी? 2,000। वो तो डेटर्स कम हो गया ना, अब तो पैसा थोड़े मिलेगा, तो डेटर्स तो हमारे पास 98,000 ही रहे और जो आपका डिस्काउंट 15,000 था पहले से, जो आप ऑलरेडी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर चुके हो, उसमें एडिशनल डिस्काउंट यानी कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जो 2,000 रुपए और दे दिया उसको भी ऐड करके बाहर रिकॉर्ड करो। मतलब डेटर्स अब हमारा 98 रहा और 15,000 डिस्काउंट पहले हम डेटर्स में से माइनस कर ही चुके थे, 2,000 रुपए और डिस्काउंट दिया तो टोटल डिस्काउंट आपका 17,000 का अमाउंट हो गया। ये हमारा डिस्काउंट की एंट्री कंप्लीट। अब मैं आपको फीस जो है उसको मैं यहां थोड़ा जगह छोड़ के लिखेंगे बाय फीस, और इसके बारे में बाद में समझाऊंगा, अभी छोड़ दो, पहले कैश पे आ जाओ। कैश कितना हमारा है? 3 लाख का अमाउंट। सर क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा ना बाद में अलग से इत्मीनान से समझाऊंगा। कैश लिखो पहले आप यहां पे 3 लाख का अमाउंट, ये भी हो गया। लैंड आपका एसेट्स है, यहीं पे जाएगा आपका लैंड 1 लाख का अमाउंट, है ना बच्चे? वो कैपिटल आपका यहां चला गया, कैपिटल आपका यहां चला गया, कितना है? 2 लाख अंदर में, अंदर में। और ये जो ड्रॉइंग्स है आप इसमें से माइनस कर दीजिए, जो हमने ड्रॉइंग्स कर लिया 150 इसमें से माइनस कर दो। सर एक सवाल है, मुझे पता अब नहीं मैं गलत करूंगा, मैंने टिकमा किया हुआ है, बाद में समझाऊंगा, पहले हम आगे बढ़ते हैं। ये काम हो गया, और क्या बच गया? तो नीचे में मेरे बच्चे एक तो आपका फीस, बाद में पहले क्लोजिंग स्टॉक 35,000। तो आप यहां पे लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक, आप लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और वो अमाउंट कितना बता रहा आपको क्लोजिंग स्टॉक का? कहां चला गया? 35,000। तो 35,000 आपने यहां से हटा दिया और वो स्टॉक को आप यहां पे रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि ये स्टॉक आपको अगले साल यूज किया जाना है 35,000। ठीक है, अब सारी बातें हो चुकी एक्सेप्ट आपका फीस, तो मैं फीस के बारे में आपको समझाता हूं। क्या देख रहे हो? ध्यान सुनो, मैं बोल रहा हूं आपसे। अरे पिछली क्लास में 2 आइटम्स का मतलब समझाया था, आप याद करो। एक तो मैंने आपको कहा था एक्सपेंस और एक मैंने कहा था आपका एसेट्स। हमने एक्सपेंस का मतलब कहा था बेनिफिट टेकन, अगर बेनिफिट आप ले चुके हो तो हमारा एक्सपेंस है, और हमने कहा था बेनिफिट अगर आपको अभी फ्यूचर में मिलेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे। बात मैंने आपको बताई थी। आज मैं पूछ रहा हूं कि रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू मतलब इनकम क्या होता है, इनकम क्या? मेरे प्यारे बच्चे मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर आपको थोड़ा सा भी इस शब्दों को समझने में दिक्कत आ रही है तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के नाम से YouTube पे मेरी क्लास पड़ी हुई है जिसमें इन सारी बातों को समराइज करके बताया है। जो चीजें आपने अभी जो पूरा अकाउंटिंग टर्म्स में पता नहीं क्या क्या जो पढ़ा उन्हीं को मैंने वहां पर समराइज किया हुआ है, तो आप उसको देखें। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग बाय संतोष कुमार टाइप करते ही मैं आपको दिख जाऊंगा, और आप उस वीडियो को देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा इनको समझने में। लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगा, अगर आप ना देखें क्योंकि आप बदमाश है, ना देखें तो भी मेरा काम समझाना है, मैं समझाऊंगा। जरा सुनो ध्यान से, क्या रेवेन्यू मतलब इनकम क्या होता है मेरे बच्चे? रेवेन्यू का मतलब होता है इफ सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड। अगर मैं सर्विसेज रेंडर कर चुका हूं, मतलब अगर मैंने काम कर दिया है, मैंने काम कर दिया है तो इसका मतलब इनकम हो चुका है। सर्विसेज को रेंडर करना इनकम होता है। मैंने आपको पढ़ा दिया,
मेरा इनकम हो चुका मेरे बच्चे, एक्रुअल बेसिस पर काउंटिंग चलता है। अगर मैंने आपको पढ़ा दिया तो मेरा इनकम हो चुका है, अगर पढ़ाने के बदले में पैसा आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। अगर आ गया तो कैश बढ़ गया, और नहीं आया तो मुझे आपसे पैसा लेना है। मैं आपको अपने बुक में दिखाऊंगा कि भाई आपसे पैसा लेना है, एक राइट मेरे पास होगा। खैर, इनकम का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? तो इफ सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड, अगर मैं सर्विसेज रेंडर कर चुका हूं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं गुड्स बेच चुका हूं, तो मेरा इनकम हो चुका है। पैसा आए अभी या बाद में फर्क नहीं पड़ता। तो इफ सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड, इसका मतलब क्या, इट मींस इसका मतलब है, मैंने आपको अकाउंटिंग टर्म्स में समझाया हुआ है कि रेवेन्यू मतलब इनकम हैज बीन अर्नड, रेवेन्यू हो चुका हैज बीन अर्नड। मैंने वहां पे आपको बताया था, आप शायद भूल गए, इट डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता, इट डज नॉट मैटर whether कैश हैज बीन रिसीव्ड और नॉट, पैसा मुझे मिला है या पैसा नहीं मिला इससे फर्क नहीं पड़ता। सर्विसेज को रेंडर करना, मुझे काम कर देना, मेरे बच्चे इनकम कहा जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, अब सुने मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ। ये हमारा करंट ईयर है, मेरा करंट ईयर है, जो 1st 4 2018 से मान लो 31st March 2019 चलता है, दिस इज माई करंट ईयर। इस करंट ईयर का मैं पूरा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बना रहा हूं, ठीक है ना। मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास यहां पे मैं आपको बता दूं कि 5 बच्चे आए, ए बी सी डी और ई, मेरे पास 5 बच्चे आए। इन 5 ने कहा, या चलो 6 बच्चे, एक और बच्चा ले लेता हूं एफ, क्या जाता है, काम ही पढ़ाना है, आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चे मेरे पास होंगे तभी तो यहां पे पढ़ाऊंगा। तो मैंने क्या किया, इन 6 बच्चों को पढ़ा दिया। इनकी जो फीस थी मेरे बच्चे सबकी थी 10,000 रुपए ईच, 10,000। मैंने सबको बोला कि देखो जी, आपकी जो फीस मैं लूंगा वो 10,000 लूंगा ईच, मतलब हर एक बंदे से 10,000 रुपए लूंगा। इन बच्चों ने कहा कि सर पढ़ा दो। आप बिलीव करो, देखो मैं कसम खा के बोलता हूं, मैंने इन 6 के 6 बच्चों को पढ़ा दिया मेरे बच्चे, और 6 के 6 बच्चे का कोर्स जो है मैंने इसी साल में खत्म करा दिया, पढ़ा दिया मैंने। जब मैंने 6 के 6 को पढ़ा दिया तो मैंने कहा कि पैसे दो, पढ़ा दिया, मुझे भी तो भूख लगती है, मुझे भी तो खाना है, तो मुझे पैसे, मैंने जो सर्विसेज रेंडर के पैसा चाहिए ना बच्चे, बोले कि हाँ। तो मैंने क्या किया, मैंने पैसा मांगा। मेरे बच्चे इन 5 बच्चों ने मुझे पेमेंट कर दिया, इन 5 ने, ए बी सी डी, जरा ऐड करना कितना हो गया, 50। मतलब कैश जो मेरे पास आया, कैश वो कितना आ गया, 50,000। लेकिन जो ये एफ है ना, एफ, उसने कहा कि सर अभी पैसे नहीं है, मैं अगले बरस आऊंगा और आपके पैसे पे कर दूंगा, अभी पैसे नहीं है। मतलब मैंने एफ से पैसा जो है नॉट येट रिसीव्ड, अभी तक मैंने इनसे पैसा रिसीव नहीं किया, क्योंकि एफ ने कहा कि सर मैं आगे आपको पे कर दूंगा। हमने कहा चल कोई बात है, ठीक है, बच्चा ये मेरा, अरे मेरे ही तो बच्चे हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं अगले बार आपसे पैसा ले लूंगा, ठीक है ना। मेरा ये पूछना है कि जब मैं अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो जरा बताओ कि फीस जो कि मेरा इनकम है, इनकम यानी कि रेवेन्यू, वो कितने से रिकॉर्ड होगा। अब तो फीस यानी कि जो रेवेन्यू है मेरे बच्चे, वो कितने से रिकॉर्ड होगा, बोलो ना इसको देखकर। क्या मेरा फीस यानी कि इनकम यानी कि रेवेन्यू 50,000 होगा, या फिर 10,000 होगा एफ वाला, या फिर टोटल आपका 60,000 होगा, बोलो जरा, 50, 10 या 60। सर ऑब्वियस बात है, क्यों पूछ रहे हो। सर इनकम यहां पे 60,000 होगा, क्योंकि सर्विसेज आपने जो रेंडर किया, आपने जो पढ़ाया, वो आपका इनकम होता है। और मेरे बच्चे मैंने पूरे 6 बच्चे को पढ़ाया तो टोटल 60,000 मेरा इनकम होगा। इनकम जो मैं दिखाऊंगा यहां पे, वो इनकम कितना दिखाऊंगा, 60। हाँ, 60 में से जरा बताओ मेरे पास कैश कितना आ चुका है, कैश कितना आ चुका है, 50,000। तो ठीक है, जो कैश आ चुका है मेरे बच्चे, वो मेरे कैश में ऐड हो चुका होगा। मेरा कैश जो है ना 3 लाख रुपए का, उसमें ये पैसा आ चुका होगा, क्योंकि साल के बीच में जब मैं पढ़ा चुका और पैसे रिसीव किया तो मेरा जो एंड में कैश दिख रहा उसमें ऐड हो चुका होगा। गलत बोल रहा हूं क्या, नहीं सर।
60 में से 50 आ चुका, 10,000 मुझे और रिसीव करना है, 10,000 मुझे लेना है, किससे लेना है, एफ से। आप ये बताओ कि एफ से मेरे पास, फर्म के पास पैसा रिसीव करने का राइट क्रिएट हुआ कि ऑब्लिगेशन हुआ, मुझे अधिकार आया कि मुझे आपसे पैसा लेना है, या मेरे सरदर्दी हुई कि यार मुझे किसी को देना है। ना सर, लेना है आपने, राइट आपके पास आया कि आपने पैसा एफ से लेना है। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं मैंने पहले बताया है कि अगर मेरे पास कोई राइट आता है, अधिकार, तो वो अधिकार भी मेरा क्या होता है, एसेट्स होता है। मतलब मैं क्या करूंगा, अपने बैलेंस शीट में एसेट्स को बढ़ाऊंगा, और क्या नाम है उस बच्चे का, एफ, मैं उसको एफ रिकॉर्ड करूंगा। कितने से, 10,000 का अमाउंट आपका, 10,000 का। मतलब इनकम में 60,000 दिखाऊंगा, उस 60,000 में से 50,000 कैश मेरे पास आ चुका है, वो मेरा कैश को बढ़ा देगा, और 10,000 जो मुझे एफ से रिसीव करना है, मेरे बच्चे, एफ को बैलेंस शीट में लिखूंगा मैं यहाँ पे कि मुझे आपसे पैसा लेना है, क्योंकि मेरे पास एक राइट क्रिएट हुआ है, एक अधिकार। जब भी आपके पास ऑब्लिगेशन आएगा, बोझ, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी बनता है, जब भी राइट आएगा, अधिकार, मुझे पैसा लेना है, मुझे आपसे पैसा लेना, आप भी मेरे सेट्स हो। डेटर स्टेजी, मुझे उनसे पैसा लेना था, वो भी मेरे सेट्स है, तो राइट आएगा तो एसेट्स है, ऑब्लिगेशन तो लायबिलिटी आपका, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, एफ का नाम लिख दूंगा। लेकिन समझो ना मेरी बात, क्या पूरे इंडिया में, इंडिया छोड़ो, मेरे बच्चे तो इंडिया से बाहर भी है भगवान की दया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां हमारे हिंदी भाषी लोग हैं, अरब, आपका सब जगह बच्चे पढ़ रहे हैं, और अच्छा लगता है मुझे सुन के कि मतलब बच्चे इतनी दूर दूर तक पढ़ रहे हैं आपका, कोई सीए कर रहा है, कोई सीएमए, कोई सीएस, कोई 12, बहुत सारी चीजें आपकी है। खैर, मैं मुद्दे पे आता हूं। मुझे बताओ कि मेरे इतने सारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर मुझे सारे बच्चों से कुछ कुछ अमाउंट अगर लेना है, कुछ कुछ लेना है एंड में, तो मैं कितने बच्चे के नाम को लिखूंगा, कितने बच्चे के, क्या मैं सारे बच्चे के नाम को लिखूंगा कि हाँ जी मुझे राम से, श्याम से, मोहन से, इनसे उनसे, नहीं सर, ये तो बहुत गंदा अकाउंट हो जाएगा। फिर अगर मान लो हजारों बच्चे हैं, अगर मान लो 10-12 हजार बच्चे हैं, तो बैलेंस शीट में 10-12 हजार नाम लिखूंगा, कितना गंदा लगेगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है। तो मेरे बच्चे, हम लोग क्या करेंगे, हमारा अकाउंट कहता है कि आप इस एफ का, यानी कि जिस बच्चे ने पेमेंट किया उसका नाम मत लिखो, जितने बच्चों से भी पेमेंट रिसीव करना है उन सबके नाम को इकट्ठा करो, और नाम के बजाय लिख देना यहां पे क्या जी, एक्रूड, एक्रूड इनकम, कौन सा, फीस ना, तो एक्रूड फीस आपका। मेरे बच्चे, ये एक्रूड फीस हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे एसेट्स हो जाएगा। सर, आपने एक्रूड कहीं और भी कहा था, मत जाओ दिमाग वहां पे, अभी रहने दो, जितना बोल रहा हूं उतना सुनो मेरी बात, मुझे अभी फिर क्लेरिफिकेशन दूंगा। यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे, एक्रूड फीस। तो एक्चुअली ये है कौन, वो हमारा एफ है जिससे हमें पैसा रिसीव करना है। मेरे बच्चे सुनना ध्यान से, 60,000 का मेरा इनकम हुआ, इसमें से 50 जो मेरे पास कैश आ चुका वो कैश में एड हो चुका होगा एंड के बैलेंस में, और जो हमें अभी रिसीव करना है उस आदमी को बैलेंस शीट में लिखूंगा, उसका नाम क्या दूंगा, एक्रूड, एक्रूड आपका फीस। अगर रेंट रहा तो एक्रूड रेंट, जो भी इनकम रहेगा, इनकम की बात कर रहा हूं, उसके आगे एक्रूड लगा दूंगा, मतलब उस नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मेरी बात सुनो, उसी बात को मैं यहां दिखाता हूं। आप देखो, मैं ब्लू ले लेता हूं, रेड ले लेता हूं, कोई नहीं। फीस जो हमने रिसीव कर लिया वो कितना है, 50,000, इतना पैसा मुझे मिल चुका है। और नीचे कहता है फीस ड्यू है, मेरे बच्चे ड्यू का मतलब मैंने पढ़ा दिया, मैंने काम कर दिया बट रिसीव नहीं हुआ। जब भी कहता ड्यू, यानी कि आपने काम पूरा कर दिया है, बस रिसीव नहीं किया 10,000। तो इतना पैसा रिसीव कर चुका, इतना रिसीव करना बाकी है, मेरा टोटल इनकम कितना होगा, 60,000। यानी कि मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट लॉस में फीस इनकम कितना दिखाऊंगा, 60,000। फीस जो मेरा इनकम है, एक्सपेंस डेबिट में, इनकम क्रेडिट में, तो फीस मेरा इनकम कितना हो गया, 60, उसको मैं यहां रिकॉर्ड करूंगा। इस 60,000 में से कितना कैश आ चुका है, कितना, सिर्फ 50,000 जो हमें दिख रहा है यहां पे। मेरे बच्चे जो 50,000 है वो तो कैश में फिर ऐड हो चुका होगा, हमें दोबारा नहीं करना। हाँ, जो हमें रिसीव करना है कितना, 10,000 का अमाउंट, उसको बैलेंस शीट में लिखना होगा उस आदमी के नाम को, और हम क्या बोलेंगे, एक्रूड फीस, कितना, 10,000।
अगर मैं बहुत इनडेप्थ की बात करूं तो एक्चुअली इस एग्जाम्पल के मुताबिक हमारा एफ है जिसे मुझे क्या करना, पैसा लेना है, बट यहाँ पे नाम नहीं लिखते, हम एक्रूड इनकम लिख देते हैं, तो एक्रूड इनकम 10,000 का अमाउंट हो गया। ठीक है, मैं इसका आपके स्कूल सर के लिए यहाँ क्लेरिफिकेशन दे देंगे कि फीस हमने रिसीव कितना कर लिया है, 50,000, और अभी आपका एक्रूड कितना है, 10,000, तो टोटल कितना हो गया आपका, 60,000 का अमाउंट आपका, 60,000, और काम पूरा हो गया। अब मेरी बात सुनो, यहां सुनो, यहां आपसे बात कर रहा हूं, नजर यहां मेरी बात सुनो। आप कोई अच्छी सी मतलब कार्टून देख रहे हो, वो नहीं आता टीवी में, भीम का आता है, छोटा भीम है, मेरे बच्चे हैं वो देखते रहते हैं, छोटा भीम है, और पता नहीं वो एक आता है उसका क्या नाम है, हमारे टाइम पे मोगली का आया करता था, मोगली, तरह तरह के फूल खिले हैं, बच्चे खिले हैं, पता नहीं ऐसा कुछ होता था, बहुत सारी चीज आती थी। तो छोटा भीम आप देख रहे हो मान लो आप, या फिर कोई आप देख रहे हो कार्टून, और उसी बीच में आपके पास आ गया और आके पूछ दिया कि जरा बताओ आपने एक्रूड को आपने यहां पे क्यों रिकॉर्ड किया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो मेरे बच्चे आप कहना कि सर सवाल गलत है, आपने गलत पूछा। आप मुझे समझाना कि हमने यहां पे एक्रूड या फिर रिसीव थोड़ा लिखा, हमने तो फीस जो हमारा इनकम है ना, यहां पे एक्सपेंस इनकम की रिकॉर्डिंग होती है, तो फीस जो हमारा इनकम है हम उसको यहां पे लिखे 60,000। ये तो बस समझाने के लिए, फीस कितना जी 60,000 इनकम आपका, डबल एंट्री है ना, अकाउंट्स काम करता डबल एंट्री पे, स्टार्टिंग से बताया इनकम कितना है 60,000, कैश कितना आ गया 50, और कितना रिसीव करना 10,000, बात खत्म। तो 60,000 पूरा इनकम दिखाया, इस 60 में से जो रिसीव कर लिया वो कैश में ऐड हो चुका होगा, और जो रिसीव करना उसको मैंने बैलेंस शीट में अलग से लिखा क्योंकि अभी पैसा आना है, समझ में आ रही बात यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे काम पूरा किया मेरे बच्चे, अब कॉन्सेप्ट खत्म है ये, आओ जरा इसको मैं एक बार चेक कर लूं हमारा जीपी क्या निकल के आता फटाफट, मुझे हैंडराइटिंग से मतलब नहीं है। तो 7,85,000 यहाँ पे आपका 785, और 785 में आपने क्या किया, 7,85,000 में से आप यहां से माइनस कीजिए कितना, 2,70,000, तो ये आ गया 5,15,000, 515 का आपका यहाँ पे जीपी आ गया। मैं इस जीपी को यहां लेकर आता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट 5,15,000, और जरा बता दो मुझे यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, तो 515 प्लस आपका 60,000, और इसमें से माइनस कीजिए 33,000, माइनस कीजिए 25,000, और माइनस कीजिए 17,000, तो बच्चे ये आ गया आपका 5 लाख का एनपी। ये जो 5 लाख का एनपी है आप इसको यहां पे लेकर आइए और इसमें 5 लाख का अमाउंट ऐड कीजिए, और ये कितना हो गया 5,50,000, चेक करो ये आपका टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा, यहाँ कोई लायबिलिटी तो है नहीं, तो यहाँ पे 550 का अमाउंट हो गया, यहाँ भी आपको 550 होना चाहिए, चेक करते हैं एक बार हम लोग, तो ऊपर से 7,98,1,05,000, फिर आपका 435, ये अमाउंट आ गया 550, और हमारा टैली करके करना ही था, कॉन्सेप्ट हमारा सही है, क्यों नहीं टैली करेगा। और मैं एक नोट लिखा दूं फिर मुझे जो समझाना वो मैं समझाऊंगा, आप लिखो यहाँ पे लिखेंगे, और कुछ जो डाउट अभी दिमाग में चल रहे हैं छोटे छोटे हो सकता है उसको भी मैं अभी यहाँ पे खत्म करूं। कितने नोट हमारे हो चुके हैं, लो मैं भूल गया, शायद 4 हो गए थे, तो नोट नंबर 5 लिखो आप, जो भी नंबर होगा मुझे नहीं पता, लिखना एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम लिखना। इट मीन्स इनकम, इनकम हैज बीन अर्नड, इनकम हो चुका, हमने अर्न कर लिया, हैज बीन अर्नड, या फिर इसको और सिंपल तरीके से इट मीन्स सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड, सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड, हमने काम कर दिया, हैव बीन रेंडर्ड, काम कर दिया, बट कैश हैज नॉट बीन रिसीव्ड। मेरे बच्चे काम तो कर दिया लेकिन अभी तक पैसा रिसीव नहीं हुआ, हम उसको एक्रूड इनकम कहेंगे। जरा बताओ ये हमारा राइट है कि ऑब्लिगेशन है, सर राइट है, हमें लेना है पैसा, तो आपका इट इज
इट इज ट्रीटेड, इसको हम ट्रीट करते हैं एज एसेट, एसेट इन बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में हम इसको एसेट्स के रूप में दिखाते हैं, ठीक है ना, एक्रूड इनकम। कोई पूछे कि जरा बताओ ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम अपियरिंग इन कहां जी, एडजस्टमेंट। बार बार मैं लिख रहा हूं, अगर ये आइटम्स एडजस्टमेंट में है तो, मतलब नीचे में है तो हमने क्या बोला जी, एक तो पहले आपका एडेड, ये एड किया जाएगा टू द कंसर्न्ड इनकम, जो भी इनकम होगा, जैसे यहां पे कौन सा इनकम था हमारा, फिक्स था, कंसर्न्ड इनकम इन क्रेडिट साइड ऑफ आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, है ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम उसको ऐड करेंगे। और फिर जी इट इज शोन एज एसेट इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे, हम इसको एसेट्स के रूप में शो करेंगे। यही काम किया ना हमने आपका इसमें, तो एक तो क्रेडिट साइड में हमने इसको ऐड कर दिया जी, इनकम में ऐड किया जो रिसीव, ये दोनों, और फिर हम उसको बैलेंस शीट में दिखाए। नोट नंबर 6, एक्रूड इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इनकम। लो, मैंने आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया, बट एक्चुअली मैंने कंफ्यूज नहीं किया, मैं क्लियरिटी लेके आ रहा हूं शब्दों के अंदर में। शब्दों का गेम जो एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है, या एग्जामिनर की बात छोड़ो ना, अकाउंट्स जो खेल सकता है, उनकी क्लियरिटी ला रहा हूं। मेरे बच्चे आप लिख दो कि एक्रूड इनकम को हम आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहते हैं। एक्सपेंस में हमने क्या बोला था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को एक्रूड एक्सपेंस भी कहते हैं, बोला था ना मैंने, और यहां पे कह दिया एक्रूड इनकम को हम आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहते हैं। अब मैं इसकी थोड़ी क्लियरिटी लाता हूं, मार्कर में कौन सा यूज कर लू, ब्लू ठीक रहेगा। मैं इसको पहले यहां से हटा के, मतलब नोट नंबर सेवन सिर्फ मेरे लिए, मेरे मतलब कौन, मेरे, आपकी बात कर रहा हूं, मतलब आप पढ़ो ना, सिर्फ मेरे लिए मतलब आपके लिए बात कर रहा हूं, आपके लिए क्या, देखो जरा, कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग हो और चाहे वो एक्रूड हो। मेरे बच्चे इन दोनों वर्ड का से मतलब होता है ड्यू है बट नॉट। अब जो ये वर्ड है, ये वर्ड जो आपके हैं, बस इतना होता है, अगर ये वर्ड लगे हुए हैं किसके साथ जी, एक्सपेंस के साथ तो हम क्या बोल देंगे, ड्यू बट नॉट पेड, क्योंकि एक्सपेंस पे किया जाता है। और अगर ये वर्ड, ये मतलब दोनों में से कोई भी, मैं दोनों में से किसी की बात कर रहा हूं, अगर ये इनकम यानी कि रेवेन्यू के साथ लगे हुए हैं तो ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इतनी सी बात है। मतलब अब कोई बाहर वाला आपसे पूछे कि जरा बताओ आउटस्टैंडिंग में और एक्रूड में क्या फर्क है, बोलना गया दोनों का मीनिंग सेम, कोई फर्क नहीं है। इनमें से कोई भी वर्ड अगर एक्सपेंस के साथ लगा हुआ है तो ड्यू बट नॉट पेड, मतलब लायबिलिटी बन गया, पे करना है। इनमें से कोई भी वर्ड अगर इनकम के साथ लगा हुआ है तो ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, हमें रिसीव करना है, राइट बन गया, एसेट्स बन गया। बस मेरे बच्चे, यानी कि ये जो आपका है, ये आपका क्या बन जाएगा जी, ये ड्यू बट नॉट पेड लायबिलिटी बन गया और ये क्या बन गया, एसेट्स बन गया। हाँ, जनरली मैं रिपीट कर रहा हूं, जनरली लोग क्या करते हैं कि एक्सपेंस के साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड को यूज करते हैं, एक्सपेंस बकाया है मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और इनकम अगर बकाया है तो जनरली एक्रूड वर्ड को यूज करते हैं। जनरली मैं बोल रहा हूं, ऐसे कोई भी वर्ड कहीं भी यूज करे इंटरचेंजेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनिए मेरी बात, आउटस्टैंडिंग हो जाए चाहे एक्रूड हो जाए दोनों का मीनिंग सेम। अगर इनमें से कोई भी वर्ड अगर एक्सपेंस के साथ लगा हुआ है तो ड्यू बट नॉट पेड, और ड्यू बट नॉट पेड यानी कि ओहो पे करना, लायबिलिटी बन गया।
इनमें से कोई भी वर्ड अगर इनकम के साथ है तो ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, हमारा एसेट्स बन गया, रिसीव करना है, वी हैव गॉट द राइट टू रिसीव दैट अमाउंट आपका। तो आप अपने हाथ को ऐसे रख लेना, ड्यू बट नॉट पेड, ओहो पे करना है, सर पकड़ लिया, लायबिलिटी बन गया। इनकम के साथ ड्यू बट नॉट रिसीव, रिसीव करना है, तो फिर समझ रहा मुट्ठी बन रहा है, एसेट्स हो गया। मुट्ठी बनना ये हिम्मत, ये मेहनत, ये हिम्मत जो होता है ना वो हमेशा आपका स्ट्रेंथ है, एसेट्स है। सर पकड़ के बैठ जाना ये तो बुजदिल लोग करते हैं जो लायबिलिटी को पसंद करते हैं। समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूं, तो मेरे बच्चे कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, फिर से बोल रहा हूं, जनरली आउटस्टैंडिंग वर्ड जो होता है वो एक्सपेंस के साथ यूज करते हैं लायबिलिटी के लिए, और एक्रूड जनरली हम आपका इनकम के साथ यूज करते हैं, यानी कि एसेट्स के रूप में आपका, बट दोनों इंटरचेंजेबल है। आपके सर कुछ बोलते हैं या कोई दोस्त कुछ बोलता है कि नहीं यार तुम आउटस्टैंडिंग हमेशा एक्सपेंस के साथ, बोलना कि ठीक है ठीक है ठीक है, बट दिमाग बैक एंड में जो बोल रहा हूं वो काम करे, क्योंकि आगे बड़ा होना है, जिम्मेदारियां संभालनी है, बड़ी डिग्री हाथ में लेनी है, तो उस समय आपके कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और वो प्रीपेड का दूसरा नाम अनएक्सपायर्ड भी था, आपको याद होगा, था ना, मैं इसको एक बार और भी शॉर्ट में आगे मैं दिखाऊंगा ये सब चीजें लिखा के, जब सारे वर्ड की मास्टरी करा दूंगा, बट चलता है ऐसी बातें होते चलती हैं, ठीक है ना। तो आप प्लीज इसकी कॉपी कर ले, ठीक है सर, ठीक है। और बताओ, बहुत सारी बात है, अभी एक पॉइंट और लेकर आऊंगा। अभी हमने पढ़ाई क्या पिछली क्लास में, एक्सपेंस को लेकर दो वर्ड थे, प्रीपेड और आपका आउटस्टैंडिंग, और भी इनकम के साथ एक वर्ड देखा है एक्रूड, है ना। और ये एक्रूड जो है ना, अगर आपको मैं बताऊं, ये एक्रूड फीस जो है ये जस्ट लाइक हमारा क्या है जी, डेटर्स है। हम डेटर्स नाम तब यूज करते हैं जब बात गुड्स की होती है, और एक्रूड वर्ड तब यूज करते हैं जब बात सर्विसेज की होती है। तो मैं, अगर मुझे आपसे पैसा कुछ लेना है तो मैं आपको डेटर्स नहीं बोलता, मैं फिर कहता हूं एक्रूड इनकम है, जो गुड्स बेचते हैं वो डेटर्स कहते हैं, फर्क इतना ही, बट मीनिंग ऑलमोस्ट जाके सब जगह सेम ही हो जाता है। चार एग्जांपल हो चुके, इसको मिटा दूं सर। हाँ, अब सर एक और एग्जांपल, ओहो मस्ती आने दो ना थोड़ा सा, बारिश बरसने दो ना थोड़ा सा, मन में बाहर हो या ना हो थोड़ी सी हिम्मत और बढ़ाओ ना, थोड़े से बड़े सपने देखो ना। मजा आता है जब हम बड़े सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना दो चीजें लाइफ में होना जरूरी है, एक बड़ा सपना देखना और फिर उसके पीछे दौड़ लगाना। अगर आपने सपना देख लिया लेकिन आपने दौड़ नहीं लगाया तो कोई पीछे ऑलरेडी बैठा हुआ है आपको और पीछे करने के लिए, और वो फिर अपने सपने आपसे पूरा करवाना शुरू करेगा। समझो मेरी बात, आपने अपना सपना पूरा नहीं किया तो वो आदमी जो थोड़ा सा आपसे आगे निकल जाएगा वो अपने सपने आपसे पूरा कराएगा, वो अपने अंडर में आपसे काम करवाएगा, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे बड़े सपने देखो, बड़ा बनने की कोशिश करो, मजा आता है लाइफ में। मैंने कई सारे बाबाओं को देखा है, धर्मदाय जो साधु बाबा होते हैं, जिंदगी में क्या है जो लेकर आए थे, खाली हाथ आना है खाली हाथ जाना है, अरे बेवकूफी है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे तो फिर खाली हाथ रह जाए जिंदगी भर, कुछ ना करो कुछ ना पाऊं, कोई सपना नहीं कोई तमन्ना नहीं, बेवकूफी है। ये सारे बाबाएं जो है ना जो ऐसी बातें करते हैं, अपनी तो झोलियां भर के रखे हैं, मस्ती करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और आपको बोलते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, और आप बेवकूफ बन जाते हो और बोलते हैं यार क्या मेहनत करना, जिंदगी है ऐसी काटो ना, क्यों ऐसी काटो यार, इतनी बड़ी जिंदगी हमारे भगवान ने दी है तो कुछ करो ना, कुछ करने के लिए हम आए हैं। जिएंगे तो शेर के जैसा, मरेंगे तो शेर जैसा, लेकिन खाली हाथ आए थे खाली हाथ, क्या बेवकूफी बकवास। मैं, मेरा बस चले ना इस दुनिया के ऊपर में, तो मैं आपसे 24 घंटे में 48 घंटे काम करवाऊं, फिर मजा आता है। मुझे बड़ा दुख होता है जब एक मजदूर को देखता हूं मैं, वो 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे 20 घंटे बेचारा काम करता है, और उसके कपड़े देखो इतने काम करने के बजाय फटे होते हैं, खाने को कुछ नहीं होता, सूखी रोटी खाता ये करता है। वहीं पे एक आदमी जो उसका मालिक है बिजनेसमैन, वो काम नहीं करता वो करवाता है, वो एक बार एक ईंट नहीं उठाएगा लेकिन देखो क्या मस्त उसकी पर्सनालिटी, गाड़ियां नौकर चौकर क्या क्या चीजें नहीं होती,
सपने बड़े देखने होंगे। उस मजदूर 20 घंटे काम करने से क्या फायदा, अगर वो स्मार्ट वे में काम हो तो फिर हम तो कुछ बात बने, देश फिर हमारा चेंज होगा, हमारी लाइफ चेंज होगी, हम लोग अपने पूरे लाइफ सोसाइटी को चेंज करेंगे, है ना बच्चे। खैर चलो अभी, अब छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे एक्चुअली ना, मैंने बहुत कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मैंने लाइफ में देखा हुआ है कि कौन कब किसका साथ देता है, कौन किसका साथ नहीं देता, कब बढ़ना है, कब क्या सोचना है, कब आपकी जिंदगी मायूस हो जाती है, कब उससे कैसे उठा जाता है, सब मैं जानता हूं। मैं चाहता हूं कि आप बस अभी से उसकी तैयारी कर लो, हर एक आदमी को करना पड़ता है। एग्जाम्पल 5, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, और ये बना रहा हूं आपका एज ऑन, चलो 31 मार्च 2018, कुछ भी ले सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये आपका दो कॉलम, एक आपका डेबिट और एक क्रेडिट आपका। इस पर ओपनिंग स्टॉक हटा दो, नहीं है मान लो ओपनिंग स्टॉक, लिखूंगा नहीं, परचेजेज कहता है आपको, परचेजेज ये कहता है कि 8 लाख का अमाउंट, सेल्स कहता है कि 25 लाख का अमाउंट, 25 लाख, फिर कहता है आपका वेजेस ये 2 लाख का अमाउंट है, सैलरी 3 लाख डेबिट में है एक्सपेंस, आपका रेंट, या रेंट कितना लिखे हम लोग, एडवर्टीजमेंट कर लो, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट पे हमने 1 लाख रुपीज खर्च किया है एक्सपेंस है डेबिट में, फीस क्रेडिट में देता हूं मैं आपका 150, रेवेन्यू है हमारा, इनकम है। इसके बाद आपका और ले लो कमीशन, कमीशन ये भी क्रेडिट में आपका 1,20,000, मतलब ये लो, पिछली बार भी मैंने वो कैपिटल ड्रॉइंग्स की बात नहीं समझाई, पता नहीं क्यों आपके साथ बात करना शुरू कर देता हूं, मेरा टाइम खराब हो जाता है, मैं चीजें भूल जाता हूं, चलो मैं अब नहीं आपसे बात करूंगा। कैपिटल ड्रॉइंग्स मैंने ब्लू से लिखा था फिर भी मैं भूल गया, चलो कोई बात नहीं, बहुत समय जीना है भी और मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ पे मैं एक आपको नाम देता हूं, किसका नाम दूं, चलो इस बार मशीन का, मशीन कितना हो गया, एक बार चेक करते हम लोग। तो आपका क्रेडिट में अभी मैं क्रेडिट में कैपिटल को बढ़ा देता हूं, आपका ये 6 लाख कितना कर लू, 30,000 से, चलो डमी फिगर है फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार चेक करते हैं कितना हमारा हो गया, यहाँ पे 34 लाख, ठीक है। इस साइड में कितना आ रहा हमारा, अभी हमने दो आइटम छोड़े में जानबूझ के, 10, 3, 13 और 14 लाख के बाद यहाँ पे मैं 18 लाख दे देता हूं इसको, 19 लाख मशीन को, 19 लाख और 1 लाख दे दिया मैंने ड्रॉइंग्स को। थर्टी फोर लैक्स और फिर मैं एक काम करता हूं, ये जो आपका ड्रॉइंग्स है और ये जो आपका कैपिटल, इस बार रेड से खून से लिख दिया, इस बार तो नहीं भूलूंगा। एडजस्टमेंट में आइए, नंबर 1 कहता है कि आउटस्टैंडिंग वेजेज, ये आउटस्टैंडिंग वेजेज जो है वो कहता है ₹5,000, ध्यान रखना आउटस्टैंडिंग वर्ड एक्सपेंस के साथ लगाया है, तो ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है ना। नंबर 2 सैलरी के बारे में कहता है आपका प्रीपेड सैलरी, मतलब सैलरी में हमने कुछ एडवांस पे किया है, वो अमाउंट कहता है कि मान लो 8,000 का है, इस 3 लाख में 8,000। तीसरा कहता है कि फीस के बारे में, एक्रूड फीस एट एंड में फीस हमें ये 1.5 लाख रुपए रिसीव किया था और 40,000 कहता है अभी रिसीव करना बाकी है, मतलब हमने पढ़ा तो दिया बट पैसा रिसीव करना है। चौथा मेरे बच्चे कमीशन पे कहता है, कमीशन includes rupees
20,000 received in advance, और बस मैं कुछ ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, ये चार एडजस्टमेंट को मैंने समझाना है, ठीक है ना। तो कहते हैं प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। अच्छा एक मिनट, पांचवा मैं वो क्लोजिंग स्टॉक डाल दूं, तो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहता है रुपीज 1 लाख, ठीक है ना। तो आओ ना मैं यहां पे सॉल्यूशन में आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं, ट्रेडिंग अकाउंट। यहां पे बहुत सारी बातें हैं, नहीं छोटा सा ही बनेगा, 7-8 लाइन जगह काफी है। फिर हम यहां बनाएंगे आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, और बैलेंस शीट। पता है यूट्यूब पे जो मेरी क्लासेज हैं मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, कई सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर जैसे मैंने बीआरएस में आपको जो पढ़ाया होगा तो मैं वहां पे छोटे इंसान कहता हूं। एक्चुअली किसी को छोटा बोलना मोटिव नहीं होता, आपको मोटिवेट करता हूं कि आप बड़ा इंसान बनो। रेक्टिफिकेशन में कहीं कहीं मैंने बोला कि बड़ा इंसान बनो, छोटा इंसान आपको, छोटा मतलब कि बड़ी डिग्री लो, छोटा डिग्री नहीं लेना, मेरा वो मोटिव है। लेकिन बच्चे कहते हैं कि सर हमें फैसिलिटी रेंज मिला इसलिए मैं बड़ी डिग्री नहीं कर पाया, सीए नहीं बन पाया, ये नहीं बन पाया। सब गलत है, सब गलत है। भगवान ने सबको मौका दिया है और देते हैं बड़ा होने का। जो उस अपॉर्चुनिटी को सही टाइम पे ग्रैब कर गया, दिमाग को स्ट्रोंग कर लिया, सपने बड़ा देख लिया, पूरा करना शुरू किया, वो आगे बढ़ता है। मेरे बच्चे मैं आपको बताऊं छोटी सी बात, ज्यादा डिटेल में नहीं। एक टाइम पे मेरी ये हालत थी कि मेरे घर में 1 रुपए नहीं थे, 2 साल से मेरे घर की सैलरी बंद, मेरे मम्मी पापा की। पापा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन 2 साल से सैलरी बंद। भाई बहन मैं, मेरी फैमिली, सब कुछ था और कुछ भी घर में नहीं था। उसी टाइम पे मुझे पढ़ाई 12th class का रिजल्ट आया था, मुझे था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे काम करना है। मैंने तो कभी ऐसा नहीं बोला कि यार अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, ये मैंने खुद मेहनत पे अपने हिसाब से समय से लड़ा और लड़के मैंने अपनी मेहनत पाई और डिग्री को कंप्लीट किया। मेरे जगह पे मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि अगर कोई वो इंसान रहे जो जिसका जो स्ट्रांग नहीं होता अंदर से, तो वो उसमें शायद वो तो भीख मांगता, यानी कि मैं उस स्टेज पे था कि मैं भीख मांग सकता था। आज यहां ना होकर मैं भीख कहीं मांगते रहता, कहीं मजदूरी करता, लेकिन मेरे सपने बड़े थे, मेरा काम करने का तरीका डिफरेंट था और मैंने हमेशा डिफरेंट तरीके से काम किया है। और मैंने आज करके आज मैंने अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन सबको संभाला और मैं आज एक अच्छी तरीके से लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। तो ये कभी किसी के सामने आप ये मत कहना, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, मैं अपना बड़प्पन नहीं दिखा रहा, मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि यार आपको मौका नहीं मिला, चाहे आपके पास फैसिलिटी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होता। 18 साल की उम्र आपकी हो गई, आपको फैसिलिटी को आपको बढ़ाना ही है अपने आप, क्यों पापा मम्मी पे डिपेंडेंट रहेंगे। करो ना, आपको कैसे करना है, हर एक के रास्ते होते, रास्ता निकालो। वो एक्सक्यूज मत देना किसी को कि यार मैं तो नहीं कर पाया क्योंकि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो गंदी बातें होती है। मुझे ऐसे लोग पसंद भी नहीं पड़ते और ना आपको पसंद पड़ेंगे जो सिर्फ अपना जो सक्सेस नहीं पा पाए उसको छिपाने के लिए अपने आप को 10 एक्सक्यूज निकाल दे कि यही हो गया मेरे साथ, हो गया, कुछ नहीं होता। मेहनत और जिस दिन आपने लगन से काम करना शुरू किया, बहुत आगे बढ़ते हैं हम लोग। खैर चलिए, ये बातें अभी छोटे बच्चे हैं, आप जैसे जैसे बड़े होंगे आपको समझ में आएगा। खैर मैं यहां परचेज लिखता हूं 8 लाख रुपीज का अमाउंट, सेल्स आप यहां लिखेंगे बाय सेल्स आपका यहां पे ये 25 लाख का अमाउंट, 25 लाख का अमाउंट। वेजेज मेरे बच्चे इस पर एडजस्टमेंट डाला है क्या सर? हाँ आउटस्टैंडिंग वेजेज है, तो ठीक है 2 वेजेज। जरा बताओ वेजेज हमने पे कितना किया है? सर पे क्या है 2 लाख, लिखो ना अंदर में यहां पे। और जो अभी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग कितना है? 5,000, वो भी तो हमारा एक्सपेंस है, हम बेनिफिट ले चुके हैं, तो एक्सपेंस तो 2,05,000 है। 2,05 में 2 लाख हम पे कर चुके होंगे, वो कैश में से माइनस हो चुका होगा, जो 5,000 पे करना लायबिलिटी बन गया आउटस्टैंडिंग वेजेज आपका कितना 5,000। सर कैश कहां है? छोड़ो ना कैश नहीं लिखा, लिखना चाहते हो तो लिख लो यहां पे, चलो मैं कैश दे देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये 17 कर देता हूं, फिर मैं आपको यहां पे
एंड 2 लैक्स का कैश. तो जो आपका पे हो चुका है वो कैश में से माइनस हो चुका है, जो आउटस्टैंडिंग मैंने इसको यहां दिखा दिया. सैलरी आपका यहां पे आएगा, सैलरी जो हम लोगों ने पे किया है वो कहता है कि 3 लैक्स का अमाउंट लिखिए यहां पे, और इस 3 लैक्स में कहता है कि भैया 8,000 तो प्रीपेड है, अगले साल का पे किया हटा दो, वो हमारा एक्सपेंस नहीं है. अगले साल का पे किया तो हमारा इस बार एसेट्स माना जाएगा. प्रॉफिट लॉस में हम एक्सपेंस दिखाते हैं ना कि एसेट्स, तो मैंने इसमें 8,000 हटा दिया, 2,92,000. और ये जो प्रीपेड सैलरी है उसको बैलेंस शीट में दिखाइए. प्रीपेड सैलरी कितना आपका 8,000 का अमाउंट, 8,000. तो हमारा यहां पे ये एक्सपेंस 292 उतना हमारा एसेट्स बन गया. एडवर्टीजमेंट यहां लिखो, एडवर्टीजमेंट इस पे कोई एडजस्टमेंट डाला हम लोगों ने क्या? नहीं सर. तो बाहर कर दो 1 लाख, इस बार का सारा एक्सपेंस है. अगले आप पिछला कुछ होगा तो पक्का नीचे बताएगा. फीस इनकम है मेरे बच्चे, तो जरा देखो फीस के नाम पे जो हमने पैसा रिसीव किया है, फीस रिसीव्ड वो कितना बता रहा है, 150. अंदर लिखो एडजस्टमेंट मैंने डाला है. और कहता है कि एक्रूड है, हमने क्या बोला था, एक्रूड का मतलब ड्यू, और इनकम के साथ है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. हमने पढ़ा दिया, हमने काम कर दिया बट रिसीव नहीं हुआ. काम कर दिया ना, ये भी इनकम है मेरे बच्चे. तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एक्रूड जो है, एक्रूड 40,000 वो इसको ऐड करूंगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था. 190 हमारा यहां पे इनकम हो गया. फीस जो रिसीव कर चुका हूं या जो रिसीव करना है, दोनों हमारे इनकम है, क्योंकि मैंने उनके बदले में पढ़ा दिया. अभी मैंने एग्जाम्पल दिखाया था ABCDEF का, तो मेरे बच्चे फीस तो मेरा इनकम 190 होगा. हाँ मुझे बताओ 190 में से कितने पैसे मिल चुके हैं, 150. जो मिल गया वो कैश में आपका ऐड हो चुका होगा. और जो अभी रिसीव करना है 40, रिसीव करना है राइट है आपका, एसेट्स है, यानी कि एक्रूड फीस आप उसको एसेट्स के रूप में दिखाइए. जब भी राइट आएगा एसेट्स है, ऑब्लिगेशन लायबिलिटी आपका, ठीक है. और फिर मेरे बच्चे कमीशन, कमीशन आपका 120. मैं कमीशन पे आपको समझाना चाहता हूं, पहले मैं यहां पे कमीशन लिख दूं, बाय कमीशन, कमीशन और इसके आगे अभी कुछ नहीं, बाद में, पहले आगे बढ़ जाओ. कैपिटल आप लिखो ना यहां पे कैपिटल के बारे में, कि हमारा कैपिटल जो है वो कितना है जी, 630. और मैं अभी पहले कैपिटल समझा ही दूंगा, कहीं बाद में फिर भूल ना गया. ड्रॉइंग्स आपका 1 लाख माइनस करो इसमें से, अभी इसको प्रॉफिट देखेंगे क्या निकल के आता है, तो इतना करके छोड़ दें. मशीन हमारा 17 लाख है, इस पे कोई एडजस्टमेंट आपको बता नहीं रहा है, तो 17 लाख बाहर चला गया. कैश आपका 2 लाख है, इस पे कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो 2 लाख रुपीज कैश चला गया. और आपका नीचे में अभी इसको तो बाद में, क्लोजिंग स्टॉक आपका 1 लाख है, तो मेरे बच्चे हमने यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि ये स्टॉक हम लोग यूज नहीं कर पाए, तो आपका अमाउंट कितना बता रहा है, 1 लाख. ये 1 लाख यहां चला गया, और इस क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में यहां लिखेंगे स्टॉक 1 लाख का अमाउंट. लीजिए ये भी काम हो गया, ठीक है. यहां तक बोलो ना सर, हाँ सर मुझे कमीशन समझा लेने दो. अंतिम समय है मेरे बच्चे क्लास का, कॉन्सेप्ट का भी, जरा सुनो ध्यान से. क्या ये हमारा करंट ईयर है, 1 अप्रैल 2018 से मान लो 31 मार्च 2019, ये मेरा क्या है जी, करंट ईयर. मैं इस साल का एक्सपेंस इनकम कैपिटल लायबिलिटी सब देख रहा हूं. मेरे पास ए बी सी डी और ई एंड एक्स 6 बच्चे आए, ए बी सी डी ई और एक्स, 1 2 3 4 5 6 बच्चे आए, देख रहे हो आप. इन 6 बच्चों ने कहा कि सर आप हमें पढ़ा दो. हमने कहा कि ठीक है जी हम आपको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने कहा कि ये चलो 7 बच्चे ले लो, क्या एफ ले लो और फिर एक साहब का, 7 बच्चे ऐसे ही मन कर रहा है, कोई खास रीजन नहीं है. तो मैंने 7 बच्चों को बोला कि देखो जी आप एक काम करो, मैं आप सबको पढ़ा दूंगा लेकिन पहले पैसा दो, पहले पैसा. मेरे बच्चे मैंने क्या किया, इन 7 बच्चों से पैसा कलेक्ट कर लिया. हर एक का फीस जो है ना 20,000 आपका ईच है, यानी कि 20,000 रुपए.
तो जरा बताओ टोटल कैश मेरे पास कितना आया होगा? सर सात बच्चे 20 यानी कि 1,40,000 मेरे पास आया। ऐसे समझो मेरी बात कि 1,40,000 रुपए मेरे पास यहाँ पे, या फिर काम करूं क्या, छह ही छोड़ दूं क्या, छह छोड़ देता हूं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? बताऊंगा, छह तो। और इनका फीस कितना है जी? 20,000 आपका ईच। मैंने कहा कि आप सारे बच्चे पहले मुझे पैसा पे करो, मैं पैसा लूंगा पहले। मैंने सबसे पैसा ले लिया मेरे बच्चे, तो छह बच्चे 20,000 के हिसाब से 1,20,000 मेरा कैश बढ़ गया होगा। कैश मतलब कि एसेट्स बढ़ गया होगा, कैश आ गया। लेकिन जब पढ़ाने की बारी हुई ना, पढ़ाने की बात कि चलो पढ़ाओ जी, तो मेरे बच्चे पता है क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5 इन पांच बच्चों को तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन जो ये बच्चा है ना, अभी छोटा बच्चा था, 10th क्लास का बच्चा, जरा बताओ इसको मैं कैसे पढ़ाऊंगा? मुझे कॉमर्स आता है, 10th क्लास में तो पता नहीं क्या वो साइंस आर्ट पता नहीं क्या क्या होता है। तो मैंने क्या किया, इन छह बच्चों को तो पढ़ा दिया, कसम से इन छह का मैंने कोर्स खत्म करा दिया। एक्स को बोला कि इस साल नहीं, आप अगले साल आना, अगले साल, और मैं अगले साल आपको पढ़ा दूंगा। जब आप बड़े हो जाओगे, कॉमर्स लोगे, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। सर कॉमर्स नहीं लिया तो छोड़ो ना, मैं मुद्दे पे आओ। हमने कहा कि पैसे मैंने छह के छह सबसे ले लिया, टोटल कैश कितना आ गया? 120। इस 120 में मैंने पांच बच्चों को पढ़ा दिया। एक को कहा इस साल नहीं, अगले साल आना, जब बड़े हो जाओगे तब मैं आपको पढ़ा दूंगा। मेरे बच्चे जरा बताओ, मेरे पास पॉकेट में 120 कैश आ चुका है, लेकिन मैंने पढ़ाया सिर्फ पांच को, अभी एक्स को नहीं पढ़ाया है। आप मुझे बताओ साल के एंड में जब मैं प्रॉफिट लॉस बनाऊंगा तो फीस यानी कि इनकम मैं कितना दिखाऊंगा, इनकम कितना दिखाऊंगा, इनकम मेरा कितना होगा? बोलो ना, बोलो बोलो, आपसे पूछ रहा हूं। सर आपने इनकम का कहा था, मतलब सर्विसेज रेंडर करना इनकम होता है। तो सर आपने करंट ईयर में पांच बच्चे को तो पढ़ाया, तो 20,000 इंटू पांच यानी कि 1,00,000 रुपीज ही आपका इनकम रिकॉर्ड किया जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, कैश मेरे पास आ चुका है 1,20,000, कैश मेरे पास कितना आ चुका है 120, लेकिन कैश आना इनकम नहीं होता मेरे बच्चे, सर्विसेज को रेंडर करना इनकम होता है। इवन दो आई हैव रिसीव 120 एज कैश, बट द इनकम विच विल बी रिकॉग्नाइज इन माई अकाउंट दैट विल बी ओनली 1,00,000 रुपीज। इनकम मेरा सिर्फ 1,00,000 हुआ, क्योंकि 1,00,000 का ही मैंने सर्विस रेंडर किया है। क्या एक्स को मैंने पढ़ा दिया? नहीं सर। कब पढ़ाऊंगा? अगले साल। ध्यान सुनना, एक्स को मैं अभी अगले साल पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं है। तो मेरे बच्चे मुझे अगले साल पढ़ाना पड़ेगा, मेरे ऊपर में एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, लाइबिलिटी है मेरे बच्चे। ऑब्लिगेशन का आना यानी कि मैं यहां पे क्या करूंगा जी, मैं अपने बुक में लाइबिलिटी बढ़ाऊंगा कितने से, 10,000। क्या नाम है उसका? एक्स। तो मैं एक्स रिकॉर्ड करूंगा कि भैया एक्स तो मेरी लाइबिलिटी है, क्योंकि अभी तक तो पढ़ाया नहीं, जब तक मैं पढ़ाऊंगा नहीं पैसा मेरा नहीं कहा जाएगा, लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनसे मैं पैसा ले लेता हूं, पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, आगे कितने बच्चे के नाम को लिखूंगा? अकाउंट्स कहता है कि फिर नाम ना लिखो, नाम के बजाय कह दो आप यहां पे एडवांस, एडवांस इनकम, फीस ना, तो आप इसको एडवांस फीस कह दो, लाइबिलिटी ये हो गया। मेरे बच्चे अगर मैं आपसे पैसा एडवांस में रिसीव कर चुका हूं, ये मैंने आपको पहले भी समझाया अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर में, जनरल एंट्री में भी इसका डिस्कशन हमने किया हुआ है, हर एक चैप्टर में लगभग डिस्कशन होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा समझा रहा हूं। तो एक्रोड इनकम, सॉरी, अगर मान लो किसी बच्चे से एडवांस में पैसा रिसीव किया है तो कैश तो आ चुका है, लेकिन वो मेरा इनकम नहीं कहा जाएगा जब तक कि मैं उसको पढ़ाना दूं। तो मैं क्या बोलूंगा? लायबिलिटी कहूंगा, मुझे पढ़ाना है। देखो अकाउंटिंग क्या होगा, यहां देखो आप, कमीशन के नाम पे हमारे पास पैसा कितना आया है? 120। मेरे बच्चे कमीशन जो मैंने रिसीव किया है, रिसीव्ड, वो अंदर में लिखा 120। इस 120 में से कहता है कि भैया 20,000 तो एडवांस है। ओहो, एडवांस यानी कि अभी तक मैंने इनको पढ़ाया नहीं है, इनको मैंने अभी सर्विसेज दिया नहीं है, तो अगर मैंने सर्विसेज नहीं दिया है मेरा इनकम नहीं होगा। यानी कि मेरे बच्चे मैं इसमें से इस 20,000 को हटा दूंगा, क्योंकि इनकम तो सिर्फ 1,00,000 रुपीज आपका है, ये 20 अभी मेरा ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है, तो मैं इसको एडवांस, एडवांस कमीशन कहते हुए
एडवांस कमीशन कहते हुए, जैसे यहाँ पे एडवांस फीस कहा था यहाँ पे एडवांस कमीशन कहेंगे, हम इसको हटा देंगे और इस 20 को एज लायबिलिटी थोड़ा जगह छोड़ के यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, एडवांस कमीशन। समझो मेरी बात ना, कितना जी 20,000 का अमाउंट आपका, 20,000 कमीशन आपका। दोबारा सुन लो, कोई पूछे कि आपने यहां से क्यों माइनस किया, बोलना क्योंकि वो हमारा इनकम नहीं है। तो फिर कोई पूछे कि यहां क्यों रिकॉर्ड किया, बोलना क्योंकि लायबिलिटी है, जब तक मैं उसको पढ़ा नहीं दूंगा तब तक मेरा इनकम नहीं कहा जाएगा। अगले साल जब पढ़ा दूंगा तो मैं इसको हटा के उसको इनकम दिखाऊंगा, अगले साल दिखाऊंगा, इस साल तो लायबिलिटी है। तो हमने क्या क्या पूरा ट्रीटमेंट आपको बताया सर, यहां कुछ समझाने वाले थे। हाँ बच्चे बता देता हूं तो कहीं आप भूल ना जाए, जरा सुनो। पहले यहां समझ के मैंने क्या बताया मेरे बच्चे, पैसा आना इज नॉट आवर इनकम, इनकम इज रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सिंस वी हैव रिसीव्ड 120 एज कमीशन, बट द सर्विसेज व्हिच वी हैव प्रोवाइडेड दैट इज ओनली अप टू ₹1 lakh, सो दैट व्हाट वी हैव डन, वी आर डिडक्टिंग 20,000 फ्रॉम द कमीशन रिसीव बिकॉज दैट्स नॉट आवर इनकम, that will be treated as liability and it will be shown in the balance sheet because all liabilities are shown in the balance sheet. So what we'll do, we'll deduct 20,000 from here and this 20,000 will be shown in the balance sheet as advance commission. Okay, it's our liability, will render services in the coming years, not in this current year. So theek hai, whatever will come with the obligation, that becomes your liability aapka. It's our obligation, we have to render the services, so that will be recorded in aapka balance sheet. Theek hai na, ye baat maine aapko yahan pe bata di. अच्छा, अब मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं ये क्या है। देखो, एक सवाल शायद आपके दिमाग में आज ना है, या आ चुका होगा, या हो सकता है कि कभी बाद में आ जाए। पता हो सवाल क्या है कि सर एक बात बताओ, जब ट्रायल बैलेंस साल के एंड में बनता है, यानी कि कैपिटल जो आपका है वो एंड का है, एंड का, तो उस ड्रॉइंग्स जो पूरे साल में आपका हुआ होगा, ड्रॉइंग्स जो आपका ड्यूरिंग द ईयर हुआ होगा सर, ये भी तो इसमें ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा। कैपिटल जब ट्रायल बैलेंस एंड का है, आपने कहा था कि कैपिटल हमेशा एंड का होता है, तो ड्रॉइंग्स जो पूरे साल के बीच में हमने किया सर, ये तो ऑलरेडी इसमें माइनस हो चुका होगा, तो फिर आप दोबारा यहां क्यों माइनस कर रहे हो। ये सवाल मेरे बच्चे आपके दिमाग में आज ना तो कल या कभी ना कभी आएगा जरूर, मैं इसको खत्म करना चाहता हूं हमेशा के लिए। सुनो ध्यान से, क्या एक्चुअली कैपिटल अकाउंट बनाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका अगर मान लो आपने क्या किया, मुझे पैसा दिया बिजनेस में, तो मैं कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। मान लो आपने बिजनेस में 5 लाख रुपीज आपने कंट्रीब्यूट किया, तो हमने ये एंट्री पास किया। फिर कुछ समय के बाद आपने बिजनेस से 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया, घर लेके चले गए, तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल कम कर देंगे, कितना 1 लाख रुपए एंड टू कैश अकाउंट। एक तरीका ये एंट्री करने का होता है, बहुत ध्यान समझना, मैं अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। जब भी कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा तो कैपिटल को ही प्लस माइनस करते हैं। एक दूसरा तरीका हमारे पास होता है, सेकेंड तरीका, कि जब पैसा बिजनेस में दिया एज कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कितना दिया 5 लाख। और जब आपने 1 लाख बिजनेस से विड्रॉ कर लिया, मतलब ड्रॉइंग्स कर लिया, तो कैपिटल को कम करने के बजाय हमने यहां पे ड्रॉइंग्स अकाउंट लिख दिया। मैंने जर्नल एंट्री में कहा था दोनों में से कोई भी नाम आप लिख सकते हो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, 1 लाख 1 लाख। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर में ड्रॉइंग्स नाम दिखता है, रिपीट कर रहा हूं, ट्रायल बैलेंस में अगर आपको ड्रॉइंग्स नाम दिखता है, तो इसका मतलब है मेरे बच्चे कि जब जब आपका ड्रॉइंग्स हुआ था, वो ड्रॉइंग्स अभी तक आपने कैपिटल से माइनस नहीं किया है, आपने एक अलग से अकाउंट खोल दिया, ड्रॉइंग्स अकाउंट। देख रहे हो आप यहां पे, यहां तो हमें दिखा कि जब ड्रॉइंग्स हो तो कैपिटल कम हो गया, कैपिटल को हमने सीधे कम कर दिया, यहां ड्रॉइंग्स कोई नाम ही नहीं आया। जब भी ड्रॉइंग्स का नाम आपका आ रहा अकाउंट में, यानी कि वी आर ओपनिंग ड्रॉइंग्स अकाउंट सेपरेटली फॉर ड्रॉइंग्स मेड, हम कैपिटल सभी माइनस नहीं किए। और इसलिए मेरे बच्चे, अगर ड्रॉइंग्स आपको यहां दिखता है, तो जितना भी साल के बीच में ड्रॉइंग्स हुआ है वो अभी कैपिटल से माइनस नहीं हुआ, उसको अलग से अकाउंट में हमने रखा हुआ है, फिर हम एंड में क्या करते हैं, माइनस करते हैं।
अगर ये ड्रॉइंग्स अकाउंट यहाँ नहीं दिखता, इसका मतलब है कि जब भी ड्रॉइंग्स हुआ था वो कैपिटल से ऑलरेडी माइनस हो चुका, फिर दोबारा नहीं करना। लेकिन जब यहाँ दिखेगा ड्रॉइंग्स आपका, तब तो फिर आपको ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेपरेटली अकाउंट खोला हुआ है। आई बात समझ में सर? हाँ सर। तो बस खत्म हो गया, आप इसे क्लोज करो और जरा बताओ जीपी कितना। 26 लाख का अमाउंट आपका यहाँ पे हो गया। कितना? 15,95,000। ठीक है ना, ये जीपी आपका यहाँ चला गया 15,95,000। अब जरा बताओ एनपी क्या निकल के आ रहा है। देख लो, मैं चाहता हूं ना कि कोई भी पॉइंट पे कोई आपसे डिस्कशन कर ले, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। 1595, फिर आपका यहाँ पे फीस हो गया 190 और आपका 1 लाख का कमीशन, तो ये अमाउंट आपका 1885। और इस 1885 में से आप यहाँ पे 3,92,000 का अमाउंट माइनस कीजिए और बचे 14,93,000। और ये 1493 यहाँ पे एनपी ग्रुप में ऐड करेंगे, 1493,000, तो कितना हो गया प्लस यहाँ पे नेट हो जाएगा 530, ये आ गया 20,23,000। और ये प्लस आपका 5,000, 25,000, दोनों मिला के ये आ गया आपका 20,48,000 का अमाउंट। यहां चेक करते हैं, ये भी आ गया 20,48,000 का अमाउंट। तो आप प्लीज इसकी कॉपी करें, मुझे एक नोट लिखाना है और फिर मैं यहां पे आपकी क्लास को आज एंड करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस चैप्टर में आप बहुत आगे निकल चुके हैं। एक दो और क्लासेस हम कॉन्सेप्ट पे करेंगे, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। भूल गया, शायद 5 नोट हमने लिखाए थे, तो नोट नंबर 6 पे मैं एंट्री कर रहे हैं, नोट नंबर 6 के ऊपर मैं आपका। नोट नंबर 6 क्या जी? वो एडवांस इनकम। मेरे बच्चे एडवांस इनकम इसका मतलब क्या? इनकम received in advance full stop। It means cash has been received but services have not been rendered। हमने कैश तो रिसीव कर लिया बट सर्विसेज मेरे बच्चे अभी तक रेंडर नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं एडवांस इनकम आपका। ठीक है ना, इट इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। ये हमारी लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट। उसके बाद नोट नंबर सिक्स में लिख दो आप यहां पे ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस इनकम गिवन इन एडजस्टमेंट। बार बार लिख रहा हूं गिवन इन एडजस्टमेंट, क्योंकि एडजस्टमेंट में होगा तभी ऐसा होगा, सर ना होगा तो बात की बात है। पहला क्या है जी? डिडक्टेड फ्रॉम इनकम इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, है ना। ये देखो हमने क्या किया, यहां से माइनस किया। और फिर आपका इट इज शोन एज लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी ग्रुप में जाता है। और अब आपका आया यहां पे मास्टर नोट का मतलब होता है, अब इसकी मैं समरी लेके आ रहा हूं सभी का, 7th नोट नंबर। आप बेशक चाहो तो थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लो, जाके थोड़ी मस्ती कर लो और मस्ती करके आके फिर इसकी स्टडी शुरू करो। ठीक है, मैं मस्ती नहीं कर सकता, मैं स्टार्ट करता हूं। एक्चुअली मैंने क्या किया, एक वर्ड दिया आपको यहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ब्रैकेट में ऑल्सो कॉल्ड, साथ साथ लिखेंगे
एक्रूड एक्सपेंस, जो नाम फेमिलियर है वो मैं पहले लिख देता हूं, आउटस्टैंडिंग आपका है ना। तो इसके बारे में ये क्या हमारा ट्रीट किया जाएगा बच्चे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब हमने सर्विसेज ले ली है लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है ना। एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग है, पे करना है, पे करना है। एसेट से लायबिलिटी है सर, पे करना है, ऑब्लिगेशन लायबिलिटी एक्सपेंस लिख देता हूं यहां पे, ये हमारा ऑब्लिगेशन है क्योंकि पे करना है इसलिए हमारी लायबिलिटी है, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। नंबर टू, प्रीपेड एक्सपेंस, इसका दूसरा नाम क्या दिया हमने, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो भी एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, मतलब अभी तक उसका यूज नहीं किया हमने, उसका बेनिफिट नहीं लिया, तो हमने क्या बोला यहां पे, ये हमारा क्या है, एसेट है। तीसरा, मैंने आपको बोला था अभी, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मतलब इनकम एक्रूड है, मतलब पढ़ा दिया बट पैसा नहीं मिला, पढ़ा दिया बस सरेंडर कर दिया, ऑल्सो कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब बच्चे हमें पैसा लेना है तो हमारा ये एसेट हो गया, सबका डिटेल मैंने लिखा दिया आपको। एंड चौथा आपका यहां पे अभी एडवांस इनकम, एडवांस इनकम ब्रैकेट में ऑल्सो कॉल्ड, और यहां पे आप छोड़ देना जगह, बाद में बताऊंगा कहीं ज्यादा हौच-पुच ना हो जाए। ये क्या था जी, एडवांस में लिया हुआ आपका इनकम लायबिलिटी है ना, क्योंकि हमने यहां पे पढ़ा दिया है बट पैसा, सॉरी पढ़ाया नहीं, पैसा आ चुका है। तो मेरे बच्चे आज की क्लास हम यही रखते हैं, हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें आज की है और कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का ऑलमोस्ट आपका 90% तक खत्म हो चुका है, थोड़ी मोड़ी बातें और है जो हम उसको देख लेंगे अगली क्लास में। अभी बुक के किसी क्वेश्चन को टच नहीं करना है, मेरे साथ साथ चलना है, जब बुक में प्रैक्टिस करना होगा मैं खुद बताऊंगा कब करना है। तब तक मेरे बच्चों आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।